हरे कृष्णा श्री राधे, कृपया शांति बनाए। राधे मेरी स्वामिनी, मेरा दे को दा, जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री वृंदावनवासी राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव।
Hare Rama,
संकीर्तन की जय। श्री राधा माधव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी लोग प्रसाद पाक लग तरह नहीं आए हैं, इसलिए आवाज थोड़ा कम आ रही है। आराध्यो भगवान ब्रजेश चिदुपाशना ब्रजवधू व्रजेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणं मम महाप्रभो मतमिदं तत्रादरेन पर लोकाभिराम रणरंगधीरं राजी नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपदे श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपदे सियाराममय सब जुग जानी करहु प्रणाम जोई जुग पानी
मनोज्वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातावजं वानर्युत्मोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रणं प्रपद्ये बुद्धिन तनुजानिकेषु मिरो पवनकुमार बलबुद्धि विद्यादेहु मोहि हरिहु कलेशकार श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मन मुकुर सुधार पर्णो रघुवर विमल जशो जोदायक फलचार नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाशाच्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरे पीछे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 भगवान श्री रामचंद्र की दिव्य कथा जो रामनवमी के शुभ उपलक्ष्य पर इस मनियापुर चौक पे आयोजित किया गया है ऐसे भगवान के दिव्य कथा की पांचवें दिन में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हरि रघुवंश लिंग अवतारा साक्षात हरि जो अपने भक्तों के दुख को हरने वाले हैं अपने भक्तों के दुख को हर लेते हैं ऐसे भगवान अपनी सुंदरता से भक्तों के मन को हर लेते हैं। जो अपने परम प्रभाव से अपने भक्त के दुख को हर लेते हैं ऐसे भगवान हरिवंश रघुवंश लिन्न अवतारा रघुपति ने अवतार धारण किया। भक्तों जब भागवत जब इस पृथ्वी पर आए जब भगवान इस पृथ्वी पर आए तो इस पृथ्वी पर अनेक वंश चल रहे थे लेकिन अवतार लेने के लिए भगवान ने कौन सा वंश चुना सूर्य वंश और कुल कौन सा बताओ बताओ कल तो बताया रघुकुल कौन सा कुल रघुकुल तो
इसका कारण बताते हुए संतगण कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र को अद्भुत कार्य करने थे, अनेकों लोगों का उद्धार करना था, अनेक पापियों को पवित्र करना था, प्रजा को सुखी करना था, और ऐसे कार्य रघुकुल में अनेक राजा महाराजा कर चुके थे। रघुकुल में सूर्य कुल में अनेक राजा महाराजा ऐसे कार्य कर चुके थे। अतः ऐसे कुल में जन्म लेकर ऐसे अद्भुत कार्य करने से, कृपा करने से भगवान के ऊपर किसी को संदेह नहीं हो कि भगवान है, इसीलिए भगवान ऐसे कुल को चुनते हैं। सब लोग सामान्य लोगों की भांति भगवान का भगवान से प्रेम करें, ये भगवान को अच्छा लगता है। तो कल हमने सुना कि भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या के हृदय गर्भ से प्रकट हो गए। कहते हैं जैसे ही कौशल्या के हृदय गर्भ से भगवान प्रकट हुए, कौशल्या का तेज बढ़ गया, उनके शरीर से प्रकाश पुंज निकल गया, सारी चिंता शोक मिट गई। जिसके हृदय में भगवान का आगमन हो जाता है, व्यक्ति के जीवन से शोक मोह तो ऐसे ही निकल जाता है। नौमी के दिन अभिजीत मुहूर्त चैत्र मास दोपहर को 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। थोड़ा आप लोग कट कम करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, बोलिए थोड़ा शांति से काम करें, अथवा 2 घंटे बाद काम करें, है ना? दिन में ही कर लेना चाहिए। पता है कि कथा हो रही है तो फिर कथा में इस प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करना सही नहीं। तो नौमी के दिन अभिजीत मुहूर्त चैत्र मास को भगवान प्रकट हुए और बहुत सुंदर हम लोगों ने उत्सव भी मनाया। लेकिन भक्तों अभी वास्तविक जन्म नहीं हुआ था भगवान का, ना तत्व की बात यह है कि अभी तक वास्तविक जन्म भगवान का हुआ ही नहीं है। बोले क्यों प्रभु? क्योंकि कौशल्या जिस कमरे में थी उस समय भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, है ना? और भगवान जो प्रकट हुए तो बच्चे के रूप में नहीं, विभू स्वरूप में प्रकट हुए हैं, बड़े रूप में। तो जन्म तो हुआ नहीं, छोटे बच्चे तो है नहीं भगवान। भगवान श्री रामचंद्र का प्रथम दर्शन कौशल्या ने किया। यहाँ पर प्रथम दर्शन कौशल्या ने और कृष्ण लीला में प्रथम दर्शन किसने? वसुदेव जी ने, क्योंकि देवकी मूर्छित अवस्था में थी। प्रभु प्रकट हुए हैं परंतु उस कक्ष में मात्र भगवान है और कौशल्या और कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है कि भगवान का प्राकट्य हो गया है। क्योंकि जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, कोई साधारण बालक तो थे नहीं कि रोते टें टें करके रोते, ऐसा कुछ नहीं किया, भगवान प्रकट हो गए। कौशल्या के बाहर कमरे के बाहर दास दासियां थी, किसी को पता नहीं है कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन कौशल्या ने किया, चतुर्भुज रूप धारण किए हैं, विभू स्वरूप है, पीताम्बर है, सुंदर मुकुट है, सुंदर माला है, और इस रूप को देखकर दोनों हाथ जोड़कर माता कौशल्या के मुख से स्रोत निकल पड़ा, क्या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी, हर्ष
कहती है हे प्रकट कृपाला, मेरे सामने आज जो खड़े हैं, आज जो मेरे सामने खड़े हैं, वो प्रकट हुए। क्या हुए हैं प्रकट? में कितनी सिद्धांतिक बात है। भगवान का जन्म नहीं, भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान का अवतार होता है, भगवान का आविर्भाव होता है। प्रकट कृपा संसार में साधारण बालकों की तरह नहीं कि रोते हुए प्रकट हुए ना, भगवान जन्म कहते हैं। भगवान का जन्म नहीं, भगवान का प्राकट्य। भाई प्रकट कृपाला दी हे प्रभु, अब बड़े कृपालु हो, दिनों के ऊपर दया करने वाले हो, अपने रूप से मुनि के मन को हरने वाले, सुंदर आभूषण धारण किए हैं, पीताम्बर धारण किए हैं, चतुर्भुज लेकर प्रकट हो, दोनों हाथ जोड़ करके मैं आपकी स्तुति करता हूं। कितनी सिद्धांतिक है। कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले आए, जरा नाम का शिकारी आया और उनको मार दिया। ध्यान रहे भक्तों, ना भगवान का जन्म होता है ना मरण होता है, भगवान तो पहले भी हैं और बाद में भी हैं। भगवान बस इस धरती पर आते हैं और चले जाते हैं। कहीं दुही कर जोरी अस्तुति तोरी, कई विधि करो अनंता, अनेक श्लोकों में स्तुति कर रही है। क्या कह रहे हैं? संसार में साधारण बालकों की तरह भगवान का जन्म नहीं होता है भक्तों, साधारण सिंपल बालकों की तरह नहीं होता। भाई प्रकट कृपा भगवान का प्राकट्य होता है, आविर्भाव होता है, भगवान का अवतार होता है।
इसलिए कहा गया भय प्रकट कृपाला। लोग कहते हैं भगवान आए, भगवान को मार दिया, भगवान मर गए। देखिए भक्तों, इस प्रकार की बात नहीं है। ना भगवान का जन्म होता है, ना भगवान का मरण होता है। ये बिल्कुल मूर्खों वाली बात है। गजेंद्र भागवत के अष्टम स्कंद में भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं, ना जन्म ना कर्म प्रभु, ना आपका जन्म होता है ना मृत्यु होती है। अब ये समझिए, भगवत गीता में भगवान ने कहा, ना जायते मृत्वा कदाचित नायं भूत्वा भावित न भूयः अजो नित्यः शाश्वतं पुराणं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। ये श्लोक तो आप जानते होंगे, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तः न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, इसको आग से जलाया नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, अग्नि जला नहीं सकता। जब आत्मा को ऐसा सुखाया और मारा नहीं जा सकता है, तो जो परम आत्मा है, जो भगवान है, उसको कौन मार सकता है? बताओ, कौन मार सकता है? कोई मार सकता है? कौन मार सकता है? कोई भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो उसे प्राकट्य कहते हैं, और जब यहां से चले जाते हैं तो उसे अप्राकट्य कहा जाता है। जैसे सूर्यदेव रोज सवेरे उगते हैं और शाम को डूब जाते हैं, तो ऐसा नहीं ना कहेंगे कि सूर्यदेव मर गए सवेरे, फिर देखो जन्म हुआ, हैप्पी बर्थडे सूर्यदेव जी, कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। सूर्यदेव तो हमेशा है, अभी हमें नहीं दिख रहे हैं। अब यहां पे चले गए तो अमेरिका जैसे देशों में उगे हुए हैं, है ना? तो ये बात है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कथा पंडाल में ही आवे, मान लीजिए वरुण जी को ही पकड़ते हैं, है ना, यही कथा पंडाल में आवे लेट से और बोले, अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, आपका जन्म हुआ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ऐसा होगा क्या? वो तो कथा पंडाल से पहले भी थे, बस कथा पंडाल में क्या किए, प्रवेश किए, और फिर जब कथा पंडाल छोड़ के चले जाएंगे तो कथा पंडाल को छोड़ करके चले गए, चैन का घर है। वैसे ही भगवान जब आते हैं तो प्रवेश करते हैं इस पृथ्वी पर और फिर छोड़ करके चले जाते हैं। ये सिद्धांत का निरूपण किया, प्राकट्य कहलाता है। भगवान का जन्म नहीं होता, ध्यान रखना। जो ऐसे कहते हैं ना कि भगवान का जन्म हुआ, भगवान मर गए, फुल्लिस मूर्ख टोटली, है ना, पूरी तरह से मूर्ख है वह व्यक्ति। भगवान का कभी जन्म नहीं, कभी मरण नहीं। बोले अच्छा, जो प्रकट हुए हैं उनका गुण क्या है? बोले दीन दयाला, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान परम दयालु हैं, ये दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? दया करने वाले। भीड़ को अधिक हो रहा है ना, तो एक इधर आप दरी दीजिए तो आवाज नहीं होगा, नहीं तो लोग इसमें एडजस्ट होना चाह रहे हैं और उसके वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। एक दरी इधर व्यवस्था कराइए माता जी, लोगों के साइड में कम से कम। ये ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों को सुनने में दिक्कत नहीं हो, बैठने में ध्यान रखिए कि यह सारी सेवाएं जो आप एक एक कर रहे हैं, मैंने पहले ही दिन कहा था, कथा पंडाल में झाड़ू लगाना हो, दरी बिछाना हो, अथवा माइक सिस्टम को सेट करना हो, कैमरा सेट करना हो, सब कुछ भगवान श्री राम याद रखेंगे। मैं आज कह रहा हूं, आप एफिडेविट करा लेना कल जा करके, है ना, और जब 60-70 साल के बाद जाओगे ना तो याद कर लेना, प्रभु जी बताए थे, याद कर लेना। एक-एक चीज कृष्ण याद रखते हैं, एक-एक चीज। मैं आपको बताऊं, एक शॉर्ट कथा, एक पद्म पुराण में वर्णन है। देखिए भगवान कितना याद रखते हैं। एक लड़का था, अब वह अपनी प्रेमिका, प्रेमिका मतलब समझते हैं ना, आज के शब्दों में क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड, ऐसा ही कुछ, पता नहीं मेरे को, जो भी हो ऐसा कहते, मैंने सुना है। तो उससे मिलने के लिए जाया करते थे,
और जाता और एक फूल लेकर के जाता था अपने पैकेट में। नदी क्रॉस करके जाना होता था तो नदी क्रॉस करके जाता और उसको फूल देता और इतना ही कहता, मैं तेरे से बड़ा प्रेम करे है। फिर आ जाता, फिर दूसरे दिन जाता, मैं तेरे से बड़ा प्रेम करे हूँ। फिर रिटर्न, तीसरे दिन जाता, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करे हूँ। रिटर्न, चौथे दिन। हर एक दिन जीवन का सिद्धांत ही बन गया था कि जाऊंगा उस लड़की को फूल दूंगा और रिटर्न आ जाऊंगा। और लड़की का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, वन साइडेड। एक दिन जा रहा था नाव क्रॉस कर, नदी क्रॉस कर रहा था, नाव पे सवार था, देखा कि बहुत बड़ा बाढ़ आ रहा है। नाविक ने कह दिया, देखो ना बाढ़ आ गया, अब नाव उपाटी जाएगा नहीं, मरने वाले, जो करना है कर लो। बोले क्या करें, एक फूल बचा है, जीवन भर उसको दिया, उसने आज तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। एक काम करता हूँ, अंतिम फूल भगवान को दे देता हूँ। बाढ़ आ रहा था, देखा बाढ़ आ चुका है, फूल निकाला और बस बोला गोविंदम समर्पयाम। क्या बोला? बस इतना ही बोला, तब तक तो बाढ़ आया, खत्म। इतना ही समय। अब जब वह यमराज के पास गया, देखता है पूरा जीवन एक लड़की के पीछे बिता दिया। मारो इसको, कूटो पकड़ के। तब तक तो बोले अरे अरे नहीं नहीं, देखो 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 क्या किया है। वो लगा देते, पूरा व्यवस्था है हमारे यमराज के पास ना, पूरा व्यवस्था है। प्रोजेक्टर देखे आप लोग, ऐसे लगा देते, देखो तुमने जीवन में 1000 लीटर शराब पिया, 5 क्विंटल मीट, कितने दर्जन गंदे गंदे अंडे और ना जाने क्या क्या खाया है, इसके साथ धोखा, इसके साथ बेईमानी, सारा हिसाब, एक एक हिसाब रखते हैं। ध्यान रखियो, हमारे ऊपर बहुत सारे कैमरा सेट किया गया है। वी आर अंडर द सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा, भगवान का कैमरा। हम यहाँ के कैमरे से तो बच सकते हैं, लेकिन भगवान के कैमरे से नहीं बच सकते। भगवान का पहला कैमरा है सूर्यदेव, बताओ कौन बच सकता है उसके निगरानी से। तब तक बोलेंगे कुछ लोग, प्रभु जी हम लोग रात को पाप करेंगे। तो दूसरा कैमरा है क्या? चंद्रदेव। प्रभु जी हम लोग दरवाजा लगा के पाप करेंगे। तीसरा कैमरा है हवा। अब बताओ कौन बचेगा? कोई नहीं बच सकता। और आप लोग ऐसा मत सोचो कि प्रभु जी डरवा रहे हैं, यमलोक है ही नहीं, नरक है ही नहीं, यमदूत है ही नहीं, यमराज है ही नहीं। अरे मूर्ख हैं वो लोग जो ऐसा सोचते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वो सोचते हैं मैं तो पढ़ लिया, ये तो मूर्खों की बात है, क्या मैं यमराज के ऊपर विश्वास करूं। देखा है क्या बेटा, तूने अमेरिका भी नहीं देखा है, तो अमेरिका है कि नहीं? आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितने लोग जापान गए यहाँ से? कितना लोग जापान गया? कोई एक व्यक्ति बताए, कोई जापान गया है यहाँ से? अच्छा श्रीलंका तो गए होंगे, ये नजदीक में नहीं गया। न्यूजीलैंड नहीं, अरे कोई नहीं। बॉम्बे गए हैं? बॉम्बे भी नहीं। अच्छा बॉम्बे गए हैं, चलो। तो अब देखिए, अगर आप अमेरिका को नहीं देखे हैं, श्रीलंका को नहीं देखे, तो वह है कि नहीं है बताइए, है ना? कैसे? क्योंकि मैं वहां गया हूं तो मैं आपको बता सकता हूं, भाई अमेरिका में ऐसा होता है, जापान में ऐसा होता है, न्यूजीलैंड में ऐसा होता है, ऐसा जगह है। तो आप मेरे से सुन करके उन बातों को जान सकते हैं, अथवा उनके विषय में पढ़ करके उनके विषय में जान सकते हैं, है ना? तो वैसे ही हम नरक लोग नहीं गए हैं, लेकिन जो लोग गए वह तो अपना एक्सपीरियंस दिए है ना। युधिष्ठिर महाराज अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, यजामिल बताते, यमराज जी खुद बताते। अब बताइए, जो वहां का मालिक है वही बता रहा है, तो क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? यमलोक कुछ बहुत बड़ा विशाल चीज नहीं है भक्तों। साधारण सा बात समझो, इस संसार में अगर कोई सरकार किसी सिटी का निर्माण करता है तो उसके लिए कुछ लॉस लगाते हैं ना, कुछ रूल्स लगाते हैं ना। मर्डर करोगे तो फांसी, चोरी करोगे तो 5 साल का कैद, ये करोगे तो ये, वो करोगे तो वो। वही है नरक लोग, वही लोग हैं, और क्या है? थोड़ी सी बड़ी सजा है ना, थोड़ी सी बड़ी सजा। मांस खाओगे तो जैसे फ्राई यहाँ पे कर रहे हो, वहां भी तुमको फ्राई किया जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? अरे आप लोग नहीं जानते क्या, न्यूटन का साधारण सा लॉ है, क्या पहला नियम बताओ? एवरी रिएक्शन हैज, सॉरी, एवरी एक्शन हैज सेम एंड इक्वल व्हाट? एंटी रिएक्शन, है कि नहीं?
नहीं पढ़ा, न्यूटन लॉ तो पढ़े ही होंगे आप लोग। हरेक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है भक्तों, ध्यान रखिए। और भगवान ने कहा है कि जो लोग मेरे साथ जैसा करता है मैं उसके साथ वैसे ही करता हूँ, क्या दिक्कत है बताइए। कुछ लोगों के मन में आ गया होगा, इतने दिन तो कथा ठीक ही चल रहा था, आज टेम्परेचर गर्म हो गया है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सच बताऊं, ठीक है। मुझे किसी का डर नहीं। डरते होंगे वो लोग जो पैसे की लालच से कथा करते हैं। हमारा कोई लालच है नहीं, हमने बोला नहीं है एक रुपया कोई चार्ज नहीं है, तो मैं वो बोलूंगा जो सिद्धांत है, उसमें कोई कट नहीं, कोई कट नहीं। आपको अच्छा लगे या ना लगे, टीचर का कार्य है कि वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा। 7 दिन के लिए ही, लेकिन आपका टीचर्स तो हूं, साधारण सी बात है। तो यम लोग है। कुछ लोग अगर बोले कि हम नहीं गए, तो बेटा तुम नहीं गए हो बहुत जगह, तो तुम नहीं मानोगे क्या? कुछ लोग बड़ा मूर्ख होते हैं इस संसार में, आप जानते हैं। बोलेंगे साइंस नहीं मानता है, साइंस नहीं मानता है, साइंस तो बहुत सारी चीजों को नहीं मानता, और साइंस तो अधूरा है ना, नहीं तो फिर क्यों इतने अपडेट होता बताइए मुझे। आज ये आज वो आजकल बढ़ते रहे, पकड़ रहे ना, पकड़ ही रहे ना। अभी अभी तो पूर्ण कहां हुआ विज्ञान, कहां पूर्ण हुआ? और साइंस क्या है मालूम है? मूर्खों का चीज है, महामूर्ख का चीज है। पूछो कैसे? क्योंकि जब तक कोई चीज प्रूव नहीं होता वो मानता ही नहीं है, पढ़ के नहीं मानेगा। मतलब अब मान लीजिए आपके पिताजी हैं और कह रहे हैं कि सर्प के काटने से, सांप के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। क्यों? अरे भाई मान लो काटने से नहीं, मैं कटवाऊंगा, मरूंगा तब मानूंगा। तो ये क्या हुआ बताओ? ये मूर्खता होगी कि महामूर्खता होगी? महामूर्खता होगी, यही है साइंस। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, पता नहीं कितने साल तक साइंस ही रगड़ता रहा, महामूर्खों की भाषा पढ़ता रहा। अब भगवान की कृपा से भगवद गीता मिल गया, रामायण मिल गया, भागवतम मिल गया, तो ये सब फेल हो गया। अब किसी चीज की जरूरत नहीं, अब नहीं जाता पढ़ने के लिए, जरूरत नहीं। तो मैं खाली बोल रहा था कि वहां पे क्या होती है, सजा दी जाती है। बहुत साधारण सी बात है, एक जेल है और उसके जेलर कौन है? यमराज जी हैं। पुलिस कौन है वहां के? यमदूत हैं। साधारण सी बात है, थोड़ा सा लॉजिक लगाए ना व्यक्ति अपना, थोड़ा सा बुद्धि लगावे तो समझ सकता है ना। लेकिन कहां फुर्सत है महुआ बिनने से? आप लोग तो खैर कुछ दिन की बात है, लेकिन शहरों में देखेंगे तो लड़के किस प्रकार से व्यक्ति व्यस्त है, उसके फुर्सत ही नहीं है जीवन जीने के लिए। तो मैं खैर इतना बता रहा था कि वह लड़का गया और क्या बोला, गोविंदम समर्पयामि। यमराज जी देखते, अरे इसने भगवान श्री गोविंद को एक फूल दिया है, अरे बाप रे बाप। बोले अब तो इसको नरक लोक में नहीं रख सकते। क्या बोलते? इसको नरक लोक में नहीं रख सकते, क्योंकि पापों को क्षमण करने की विधि होती है, और वह क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान की सेवा करना। बोले इसने गोविंद की सेवा की है एक रोज दे करके। कितना रोज दे करके? एक रोज, केवल एक रोज दिया है इसने गोविंद को। इसको नरक में नहीं रख सकते, इसको स्वर्ग लोक में भेजना पड़ेगा। बोले अरे भाई तुमने ऐसा किया है, तुमको कुछ देर के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या? अगला शरीर तुम्हें दिया जाएगा। बोले ठीक है। बोले लेकिन क्या किया मैंने? बोला अरे तुमने गोविंद को एक फूल दिया है। अब उसकी बुद्धि चकरा गई। बोले अरे बाप रे बाप, उस लड़की को जीवन भर रोज दिया, कभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, आज भगवान को एक रोज दे दिया तो इतना बड़ा रिस्पॉन्ड। बुद्धि बड़ी तेज थी उसकी। बोला ठीक है, मुझे यहां से उठाओ और स्वर्ग लोक के गार्डन में पटको, जहां बहुत सारे रोज हो, पटको वहां। यमराज जी ने उठाया और धड़ाम करके पटका, कहां पे? स्वर्ग लोक के गार्डन में। और जैसे ही पटका, वह व्यक्ति दोनों हाथों से फूल तोड़ने लगा और कहने लगा, गोविंदम समर्पयामि, गोविंदम समर्पयामि, गोविंदम समर्पयामि, गोविंदम समर्पयामि। ऐसा करते 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 फिर वह व्यक्ति कभी इस धराधाम पे नहीं आया भक्तों, वह भगवान के धाम चला गया।
ये है भगवान के लिए कुछ करने का महत्व। थोड़ा सा। अरे सोचो, ध्रुव महाराज केवल 6 महीने के लिए तपस्या किए भगवान का, केवल 6 महीने। कितने दिन के लिए? 5 साल का बालक 6 महीने के लिए तपस्या किए, भगवान प्रकट हो गए और बोले, अरे तुम्हारा दादा मनु महाराज है ना, उससे बड़ा राज्य देता हूं तुझे, ध्रुव लोक जा रहे वहां पे। ये भगवान की कृपा है। भगवान को कोई कुछ भी देता है ना तो याद रखता है। तो इसलिए आप लोग भी यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं ना, भगवान गिन गिन करके याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। 2 ही दिन ये ऑफर है, अब तो खत्म होने वाला है, कल और परसों। परसों रात को ऑफर समाप्त है ना, अंतिम मौका। लूट सको तो लूट लो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली, है ना। ओके, सब लोग बैठ जाइए, हल्ला नहीं करिए, लड़ाई झगड़ा या नहीं करिए। तो वास्तव में भगवान बहुत दयालु है। जितना दयालु भगवान है ना भक्तों, उतना कोई नहीं है, कोई नहीं। हम लोग कहते हैं फलाना भाई इतना दयालु है, फलाना भाई इतना दयालु, फलाना काका इतना दयालु, लेकिन भक्तों जितना दयालु भगवान है ना, उतना और कोई नहीं। एक संत ने तो बहुत सुंदर कहा, दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन मां कुछ ऐसी बसी है, तेरे कहां हूं कि जाओ कहां हूं, अब तेरे ही नाम की फेट कसी है, तेरे ही आसरो एक मलोक अब नहीं कोई मन में दूसरी बसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, हे प्रभु अब तो बस केवल आपका ही सहारा है, चाहे सुख मिले या चाहे दुख, फर्क नहीं पड़ता, संसार में आपने सब कुछ दिया है। कौशल्याधिकारी, कौशल्या जैसे अनेक माताएं हैं, उन भक्तों को आनंद देने के लिए, हित करने के लिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री रामचंद्र इस धराधाम पर प्रकट हो गए, एक बालक की तरह मुनि मनहारी भगवान जो प्रकट हुए हैं, वो मुनियों के मन को भी हरने वाले हैं। अद्भुत रूप, हर्षित महातारी कौशल्या लोचन अभिरामा, कैसा रूप है, बहुत सुंदर, जगत के समस्त जीवों के नेत्रों को आनंद देने वाली आंखें, तनु घन श्यामा, और जिस बालक का जन्म हुआ है उनका शरीर कैसा है, घन श्याम वर्ण का, घने मेघ के समान है। और भक्तों अद्भुत बात बताते हुए कहते हैं, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, इस बालक के 2 हाथ नहीं, कितने हाथ हैं, 4। आवाज नहीं करिए, आवाज नहीं करिए, इन लोगों को बिठाने की व्यवस्था करिए। आप लोग बैठ जाइए, जहां जाए वहीं बैठ जाइए, नीचे भी बैठने से कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाइए, बैठ के स्थिर से कथा सुनिए। आनंद आ रहा है ना कथा में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ इधर से, बताओ आ रहा है समझ में आप लोगों को, हैं कथा समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, हाथ दिखा के अनुमोदन तो कर रहे हैं कि आ रहा है, फिर क्या दिक्कत है, बैठिए सुनिए। शरीर में पीतांबर धारण किए हुए हैं और आयुध हो, आयुध मतलब कमल धनुष चक्र शंख इत्यादि लेकर के भगवान प्रकट हो गए। आज भी कुछ लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, मैं भी भगवान। पूछो जब जन्म लिए तो कोपिन भी पहन के आए थे, वो भी माता को व्यवस्था करनी पड़ती है, नहीं तो आकर के पता नहीं क्या क्या गंदा काम कर देगा। तो भूषण वनमाला नयन विशाला, जो वनमाला पहने हुए भगवान को ना, ये सोने चांदी की माला उतनी अच्छी नहीं लगती, या प्लास्टिक वाला फूल का भी माला कुछ लोग पहनाते हैं, ना 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 कभी मत पहनाना, भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को क्या पसंद है, वन माला, वन के फूलों से बना हुआ माला, कोई भी चलेगा, खाली ध्यान रखना चाहिए कि उड़हुल फूल नहीं चढ़ता है भगवान को। उड़हुल फूल होता है ना मालूम है, वो रेड कलर का होता है, अड़हुल वो नहीं चढ़ता, वो केवल देवी काली अथवा देवी दुर्गा, बस अन्य किसी को नहीं चढ़ता है।
और क्या कह रहे हैं, जिसके नयन बहुत विशाल हैं, नयन विशाला। भगवान के आंख बड़े विशाल होते हैं भक्तों, यहां तक भगवान का आंख जो है ना कान को टच करता है। ये भगवान का पहचान है, ध्यान रखिए। कोई फलाना व्यक्ति आकर के कहे मैं भगवान हूं, मत मानना। भगवान के हाथ अजानु लंबित होते हैं, घुटनों तक पहुंचते हैं, हमारे जैसे इतने छोटे छोटे नहीं। शोभा सिंधु खरारी, शोभा के सिंधु हैं, सुंदरता के सागर। यशरों का वध करने वाले हैं, और कैसे जैसे कैसे यशरों को खरारी खर दूसन जैसे यशरों का वध करने वाले हैं। आज कुछ लोग सुंदर होते हैं तो बलवान नहीं, बलवान होते हैं तो सुंदर नहीं, लेकिन भगवान बलवान भी हैं और सुंदर भी। अद्भुत सुंदरता है भक्तों, भगवान की अद्भुत सुंदरता, अद्भुत सुंदरता है। एक बार कोई देख लेना तो पागल हो जाता है। मीरा देवी पागल हो गई, कर्मा बाई पागल हो गई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। मैं लो में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, गाऊंगा नहीं, गाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। तीन ही दिन बचा, चार दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं। ये भगवान की कृपा है। बोले अरे अरे ये तो बालक नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान की जब आयुध देखी देवी कौशल्या ने तो कहते अरे ये तो बालक नहीं, ये तो भगवान है। तो कहते कहीं दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कई विधि कर हूं अनंता। कई दुई कर जोरी देख कर देवी कौशल्या दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान के सामने क्या बचता है भक्तों, क्या दे सकते हैं हम लोग भगवान, क्या दे सकते हैं। दोनों हाथ जोड़ लिया और भगवान की स्तुति करने लगे। परंतु सहसा भगवान प्रकट हुए हैं तो कोई कोई शब्द नहीं निकल रहा है। तो कहते कहीं भी नहीं करूं अनंत, कैसे आपकी स्तुति करूं। कौशल्या ने कहा प्रभु आप अनंत हो, आपकी स्तुति कैसे की जा सकती है। अनंत अनंत मुखों से, अनंत अनंत काल से, अनंत शेष आपकी स्तुति गा रहे, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए प्रभु, तो मैं क्या करूं। संतगण कहते हैं भक्तों सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सात समुंदर की मसी करूं, कृष्ण गुण लिखा ना जाए राम गुण लिखा ना जाए। अगर पूरी धरती को एक मशीन में डाल करके पीस करके कागज बना दिया जाए, और जितने जंगल के पेड़ है ना उसको पीस करके कलम बना दिया जाए, और सात समुंदर में जितना जल है अगर उसको इंक बना दिया जाए, लेकिन फिर भी भगवान आपके गुणों को लिखा ना जाए, कम पड़ जाए। ये है भगवान माया गुण ज्ञान अतीतमाना वेद पुराण भनंता। मानो भगवान कहे कि माती ये सब ज्ञान आपको कहां से मिला, कौन बताया, कहां से प्राप्त कर लिया ये सारे ज्ञान। देवी कौशल्या कहती है प्रभु ऐसा कौन कहता है, फलाने बाबा फलाने बापू नहीं, वेद पुराण बनंता। याद रखिए क्या कह रहे हैं, वेद पुराण बनंता, वेदों में और पुराणों में लिखा हुआ है। ध्यान रखिए खुद से नहीं कह रही हैं देवी कौशल्या, पढ़ी। आज तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन वेद पुराण भूल गए हैं भक्तों, इसलिए आज हमारा पतन हो रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति है, दुख की स्थिति यही है। पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहिए। मैं व्यवस्था करा रहा हूं कि कुछ भगवत गीता यहां पर आवे ताकि आप लोग ले सकें और पढ़ सकें एकदम साधारण भाषा में हिंदी में, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। प्रभु ऐसा शास्त्रों में लिखा है,
आगे कह रहे हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिदिन कहे मम पुरुषोदासी यौ उपहासी सुनता धीर पति न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु से काना जब ज्ञाना प्रभु से काना चरिता बहुत विधि चिन्ह गए कथिका सुहाई मातु बुझाई जय रकार सुत प्रेम रहे कौशल्या आदि कहते हैं प्रभु आप साधारण बालक नहीं आप जिसके रोम रोम ब्रह्मा प्रकटे आप कौन हो जिसके रोम रोम से ब्रह्मा प्रकट होते हैं ब्रह्मांड प्रकटे जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं और उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होते हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे अद्भुत स्तुति है भक्तों जब आप इसको खुद से पढ़ेंगे इन इन क्लासेस को दोबारा सुनते हुए जब पढ़ेंगे ना बहुत अच्छा आपको महसूस होगा है ना इन सारे के रिकॉर्डिंग्स में अपने चैनल पे डाल दूंगा आप लोग जरूर देखिएगा है ना जरूर देखिएगा कौशल्या जी कहते हैं आप साधारण रोम रोम ब्रह्मा आपके रोम रोम और प्रभु वे भगवान जिनकी रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं वो मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं जब ये बात संसार को पता चलेगी ना प्रभु तो लोग मुझ पे हंसेंगे अतः कौशल्या कहते हैं प्रभु मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करती हूँ कि आप अपने इस विभू रूप को छिपा लीजिए प्रभु कृपया शांति बनाए रखिए माताएं देखिए एक एक माता के ही द्वारा भगवान श्री राम की स्तुति है अगर हमारी माताएं इस प्रकार से बातें करेंगी तो फिर क्या मैसेज जाएगा जगत को सोचो थोड़ा प्रभु बोले बोले माता मैं साक्षात भगवान हूं मैं आपका पुत्र बनकर प्रकट हुआ क्योंकि आपने पूर्व में मनु सद्रूपा के रूप में मेरी भक्ति की थी तपस्या की थी आपने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहा मैंने कहा तथास्तु मैं वापस गया तो मुझे पता चला अरे मेरे जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं तो क्या करूं इसलिए मैं स्वयं आपके पुत्र बन करके प्रकट हो लेकिन अब कौशल्या कह रही है क्या माता पुनि बोली सुमति टोली माता पुनि बोली सुमति टोली तजहू रूप को कैसे कैसे छुपाऊंगी प्रभु मैं तो वात्सल्य भाव की उपासक हूं मुझे तो आपके साथ प्रेम करना है इस रूप के साथ कैसे प्रेम करें आप अपने ऐश्वर्यमय रूप को छुपा लीजिए और वात्सल्यमय रूप का स्वागत कराइए प्रभु मुझे तो आपका लालन पालन करना है मुझे तो आपको भोजन कराना है मुझे तो आपको स्नान कराना वास्तव वास्तव में धन्य है उमा वास्तव में वो माँ धन्य है जो भगवान को अपना पुत्र मानती है भगवान को अपना पुत्र मानती इस संसार में भगवान वास्तव में इसलिए आते हैं कि वह वात्सल्य रस का स्वादन करे जगत के लोग मुझे अपना पुत्र समझे जगत के लोग मुझे अपना पुत्र माने जगत के लोग मुझे अपना मित्र माने जगत के लोग मुझे अपना प्रीतम प्रेमी माने बहुत खुश होते हैं भगवान जब हम भगवान के अभिषेक करते हैं इसलिए हमारे संतों ने कहा जमुना जल माँ के सर गोरी स्नान कराओ श्याम ला जमुना जल माँ के सर गोरी स्नान कराओ श्याम ला एक समय हमारे भारत में बहुत बहुत सुंदर था
रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समस्त नारियां समस्त माताएं भगवान को अपना पुत्र समझती थी, उनका लालन पालन करती थी, उनका स्नान कराती थी सवेरे उठ करके। और आज सवेरे उठते ही महुआ चुनना, या फिर सवेरे उठते ही फेसबुक देखना है, व्हाट्सएप देखना है, नहीं, सवेरे उठते ही भगवान को स्नान कराना है। भगवान का विग्रह रखते थे, छोटे छोटे विग्रह, उनकी सेवा करते लड्डू गोपाल। जमुना जल माकेशर को स्नान कराओ श्यामला, जमुना बहुत सुंदर है। हल्के हाथों अंगो छोरी लगाओ श्यामला, के हाथों चंगो छोरी लड़ लड़ाओ श्यामला। बहुत सुंदर भाव हुआ करता, हल्के हाथ से कहीं मेरे लाला को चोट ना आ जाए, इसलिए नरम हाथों से, हल्के हाथों से, बड़े प्रेम से क्या करूंगी, उनको स्नान कराऊंगी, यमुना का जल लूंगी, केसर सुगंधित जल से भगवान को स्नान कराओ। भारतवर्ष में एक दिन ऐसा था जब समस्त भक्तगण भगवान को साधारण मूर्ति नहीं समझते थे, भगवान को अपना पुत्र मानते थे। पस्त्रो अंगो लुयापो पिलु पीतांबर श्यामला, पस्त्रो अंगो लुचियापो पिलु पीतांबर श्यामला, तिल सुगंधि नाथिया बड़ कलिया तारा पाल मां, तिल सुगंधि नाथिया बड़ कलिया तारा पाल मां। जमुना जल मां के शर गोरी तन कराओ श्यामला, जमुना शर गोरी। बहुत सुंदर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आज की तरह नहीं किसी भी पानी से स्नान करा दो, यमुना जल लूंगी और उसमें भी केसर डालो। आजकल कुछ लोग भगवान को रखते हैं अपने पास, पीतांबरी लेकर रगड़ देते हैं, रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से भगवान को स्नान कराते हैं। और क्या कह रहे हैं, लूची आपो, भगवान को बहुत सुंदर पूरी हलवा भोग लगाऊंगी, केवल चिनिया बादाम नहीं, और वो क्या कहते हैं उसको, इलायची दान नहीं। ध्यान रखिए, भगवान ने कहा जिस प्रकार से आप मेरे साथ संबंध रखेंगे मैं भी आपके साथ वैसे ही संबंध रखूंगा, जो हम भगवान को देंगे भगवान वही रिटर्न में देने वाले हैं, इसलिए भगवान को अच्छी वस्तु दें। आज की क्या स्थिति है, अपने लिए अच्छा घी 1000 रुपए किलो वाला और भगवान के लिए 10 रुपए वाला, ये भक्ति है, ये भक्ति है हमारे, अपने लिए खोआ पूरी मलाई रस, क्या कहते हैं, रस मलाई रबड़ी, और भगवान के लिए केवल साधारण इलायची दाना, ये हमारी भक्ति है भक्तों। ध्यान रखिएगा, भगवान याद रखेंगे, इसलिए जो भी खाओ, दाल चावल सब्जी सब भगवान को भोग लगा करके खाओ, जो खाओ रोटी भी खाओ भगवान को भोग लगाओ, लेकिन ध्यान रखना हमारे भगवान लहसुन प्याज नहीं खाते, तो उनको वो मत लगाना। कुछ लोग कहते हैं भगवान नमकीन नहीं खाते, क्यों नहीं खाएंगे आप, खिलाएंगे तो, कर्माबाई नहीं खिलाई खिचड़ी उनको, भगवान जगन्नाथ स्वयं आकर के उनके हाथ से खाते थे, खिला करके तो देखो। इसलिए भक्तों भगवान को भोग लगा करके ही खाना, बिना भोग लगाए हुए मत खाना, बहुत बड़ा पाप है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम लोग नहीं खाते हैं, मांसाहारी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह पाप कर रहा है अगर भगवान को बिना खिलाए हुए खा रहा है। कैसे भोग लगाए, कोई बड़ा नियम नहीं है, जो खाना बनाते उसी को लगाओ,
छप्पन भोग लगाने की जरूरत नहीं है। दाल चावल तो सबके घर में बनता है ना, दाल चावल रोटी किसके घर में नहीं बताओ बनता है, बताओ, थोड़ा हाथ खड़ा करो, किसके घर में दाल चावल रोटी नहीं बनता है, नहीं बनता है, अब किसके घर में बनता है, थोड़ा हाथ खड़ा करो। तो कितने लोग भगवान को भोग लगा के खाते हैं, हाथ खड़ा करो। तो दाल चावल रोटी कितने लोग भगवान को भोग लगाते हैं, कोई नहीं लगाता है। जो भी बनता है उसको भगवान को भोग लगाओ, ध्यान रखना, जो भी बनता है, क्योंकि भगवान ने कहा जो मुझे बिना भोग लगाए हुए खाता है वह अन्न नहीं खाता, वह क्या खाता है, पाप खाता है। मैं नहीं कहता हूं, भगवान भगवत गीता के तीसरे अध्याय में कहते हैं, देख लो पढ़ के, भोग लगा करके खाओ। आज हम इतना व्यस्त हो गए कि भगवान को भूल ही गए अपने जीवन में। मेरे शब्द नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी हम लोग डेली पाप खा रहे हैं, आ जाएंगे सवाल करने के लिए। हाँ, भगवत गीता में अध्याय 3 में कहते हैं, इसलिए तो भगवान ने कहा, क्या कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेषयति। जो कोई व्यक्ति मुझे बोले प्रभु जी भगवान को डेली रसमलाई चाहिए क्या, नहीं, पत्रम, साग तो खाते होंगे ना आप, साग तो बनाते ही होंगे, कुछ पुष्प फूल गोभी गोभी तो फ्लावर ही है, बनाते ही। तोयम पानी, कितने लोग नहीं पीते हैं, तोयम भगवान को पानी दे करके भी भोग लगाइए। जो भी खाते हैं उसे भगवान को समर्पित करिए, ध्यान रखिए, भगवान का फोटो रखिए, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम का फोटो रखिए, उसके सामने चावल दाल सब्जी जो बनाया रखो, उसमें तुलसी पत्र रखो, भगवान को निवेदित करो, प्रभु आपके लिए ये सेवा कर पाया, उसको खिलाओ, 5 मिनट के लिए दरवाजा बंद करो, फिर वापस लो और फिर उस खाने को खाओ, देखो स्वाद बदल जाएगा, वही खाना, क्योंकि भक्तों भगवान उस खाने को खाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं लेकिन भगवान उस खाने को खाते हैं। ध्यान रखना, जीवन में अपने इस चीज को उतारो, ये खाना जो है बिना भगवान को लगाए हुए मत खाना, पाप है, अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। जो भी खाओ भगवान को भोग लगाओ। हम लोग तो जो भी खाते बिना भगवान को खिलाए खाते ही नहीं है, तो आप भी ऐसा ही जीवन में नियम बनाओ। गृहस्थों का नियम है ये, साधुओं का नियम नहीं है। साधुओं का नियम तो एक ही टाइम भोजन करना है, गृहस्थों को 3 टाइम खाओ और भगवान को भोग लगा करके खाओ। बोलेंगे गृहस्थ हैं प्रभु, सारे लोग गृहस्थी, हम लोग भी गृहस्थ हैं, लेकिन डेली बिना भगवान को भोग लगाए खाते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी खाली चिनिया बादाम लगा दें और वो इलायची दाना, आप चिनिया बादाम और इलायची दाना खा करके कितना दिन जीवित रह सकते हो बताओ, थोड़ा कितना अच्छा लगेगा आपको, डेली डेली चिनिया बादाम इलायची दाना खिलाएंगे तो लगेगा नहीं। दाल चावल चाहिए, पनीर चाहिए, थोड़ा तड़का चाहिए, तो लगाओ भगवान को भोग और खाओ, खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान मांस मछली शराब लहसुन प्याज ये सब चीज भगवान नहीं खाते हैं, है ना, तीन सारी चीज भगवान ने कहा कि माता मेरा तो यही रूप है, आप बताओ बालक कैसे, बालक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। कौशल्या भगवान को अपने कंट्रोल में ले रही है, क्या कह रही है, बोले पहले जो इतने विभु बन रहे हो ना, थोड़े छोटे हो जाओ, छोटा हो। बोले अब मां, बोले ये जो चतुर्भुज रूप बना करके रखे हो ना, त्याग दो, त्याग दिए। एक दिन के छोटे बालक बन गए, बोले अम्मा, बोले अब ये चतुर्भुज त्याग दो, त्याग दिए। बोले अब मां, कौशल्या ने कहा अब रोने लगो, क्या करने लगो, रोने लगो। अभी कथा सुनिए बैठ करके, इधर उधर मत करिए, आवाज मत करिए, बैठ जाइए। क्या कहते हैं, अब रोने लगो। भगवान ने कहा इन बच्चों को साइड से या तो पीछे कर दीजिए या फिर चुप करके एकदम साइलेंट बिठाइए। ओए चुप हो जा, आवाज नहीं करेगा। तो बोले अब रोने लगो। भगवान ने कहा माँ मेरे जीवन में क्या दुख है जो मैं रो, क्यों रो मैं, बता। आदमी रोता तो तब है जब
दुख में पड़ता है, मैं क्यों रोऊं? माता कौशल्या ने इतना कही कहा कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, मैं मानती हूं आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन आपके मनियापुर चौक के भक्त लोग दुखी हैं, इसलिए उनके दुख में आप रहो प्रभु, आप सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान के माता के वचन को सुनकर भगवान रोए, इच्छा को जानकर चतुर्भुज रूप त्याग किया, विभु रूप त्याग किया, छोटे बालक हो गए और रोए, और कहते हैं हर सी जहते धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी, और बाहर जितनी भी दासियां थी सब दासियां दौड़ने लगी, दौड़ के कौशल्या जी के कक्ष में प्रवेश किया तो देखा अद्भुत बालक, अद्भुत, दौड़ कर दासियां में होड़ लग गया कि मैं जाऊंगी पहले और महाराज दशरथ को यह समाचार दूंगी, मैं दूंगी। दासियों में होड़ लग गई, होड़ लगी, दौड़ रही हैं और महाराज दशरथ को बता चुका, महाराज आपके कौशल्या देवी कौशल्या ने बहुत सुंदर अद्भुत बालक को जन्म दिया है, तब तक तो दूसरी रानी दूसरी दासी दौड़ते हुए आई, महाराज कई कई ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया है, तब तक तीसरी दासी महाराज सुमित्रा ने दो दो बालकों को जन्म दिया है, महाराज दशरथ खुशी के मारे पागल हो गए, जिस मार्ग पर महाराज दशरथ कभी चले नहीं थे तेज गति से, आज उस मार्ग पर दौड़ने लगे, कहने लगे ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वस्ति का वाचन कराओ, बाजे बजाओ, गायों का दान करो, परम प्रसन्न मेरे घर पर बड़ी लंबी उम्र के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पुरी मन राजा कहा बुलाई बजाव बाजा, जैसे ही दशरथ को पता चला चार चार पुत्र नाचने लगे, ब्रह्मानंद मिल रहा, मंत्री को बुलाया, कहा ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराओ, गायों का दान कराओ, महाराज दशरथ आज खुशी के मारे पाग, महाराज दशरथ को बड़ा आनंद आने लगा और परम प्रसन्न प्रसन्नचित होकर राजा दशरथ भगवान को स्मरण कर रहा। यवदवासियों को जब पता चला कि हमारे महाराज के घर पर सुंदर सुंदर चार चार बालकों का जन्म हुआ है, अयोध्यावासी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर तुरंत सुंदर सुंदर भेंट लेकर अयोध्या में आए और अयोध्या में उत्सव मच गया, कैसे यवद में आनंद भयो जय हो राजा राम, यवद में आनंद भयो जय हो राजा राम, कल तो उत्सव मनाई जय श्री रामचंद्र पावन के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे बाबा, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे बाबा, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे बाबा, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे बाबा, अवध के जय जय श्री राम चंद्र के दुलारे, जय जय श्री राम चंद्र अवध के दुलारे। इस प्रकार भगवान का दिव्य जन्म हुआ, दिव्य स्तुति देवी कौशल्या ने किया, और भक्तों जितनी लालसा भक्तों को भगवान के दर्शन की होती है उतनी ही लालसा भगवान को भी भक्तों की दर्शन की होती है।
आवाज शांत कर लीजिए, आजू बाजू से बहुत आवाज आ रही है, बैठ जाइए। कृपया कथा सुनिए, वहां पे गूट लगा करके देखिए कुछ लोग गप कर रहे हैं, उधर गप कर रहे हैं, कृपया बैठिए, कथा सुनने आए हैं, कथा सुनिए ना, क्यों इस प्रकार से डिस्टर्ब करें। तो अब शिवजी पार्वती को ये कथा सुनाते हुए कहते हैं, पार्वती उस समय मैंने एक चोरी की थी। क्या की थी? चोरी। बोले स्वामी आपने चोरी की? बोले हाँ। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जाए दृढ़मति तोरी, काग भुसंडी सग हम दो, मनुज रूप जाने ही नहीं को। काग भुसंडी जी के साथ मनुष्य रूप धारण करके हम लोग दोनों कहां गए? अवध में गए। काग भुसंडी जी बने चेला और मैं बना गुरु। भगवान के बिना में दोनों दुखी थे, गए, लेकिन उनकी माता ने हमें देखने के लिए नहीं दिया। लेकिन भक्तों, जितना दुख भक्तों को भगवान के दर्शन के बिना होता है, उतना ही दुख भगवान को होता है। जैसे ही भोलेनाथ चले गए, भगवान हमारे रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। लोगों ने कहा कि इनको नजर लग गई है, नजर उतरवाना पड़ेगा। कौन नजर उतारने जानता है? पता चला कि अरे सरयू के तट पर एक साधु बैठे हुए हैं। कौन? भोलेनाथ। जाओ उनको बुला करके लाओ। जैसे ही लाया, बोले आप जानते हैं? बोले अरे अद्भुत नजर उतारते हैं, एक बार उतार देंगे ना, काग भुसंडी जी प्रचार कर रहे हैं भोलेनाथ का, एक बार उतार देंगे ना तो जीवन में फिर कभी दोबारा नजर नहीं लगेगा, अद्भुत। बोले हमारे कौशल्यानंदन को नजर लग गई है, थोड़ा उतार दो। बोले ठीक है। काग भुसंडी जी ने इशारा किया, देवी कौशल्या ने अपने बच्चे को ले आया और भोलेनाथ ने उन्हें अपने गोद में लिया और उनके चरणों में, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में अपने मस्तक को टिका दिया। बिल्कुल मसल मसल कर भगवान के चरणों को अपने मस्तक पर रखा और शिव जी अपनी जटा में भगवान के चरण को स्पर्श कराया। आज प्रभु के चरण अपने मस्तक को स्पर्श कराकर शिव जी धन्यति धन्य हो गए। मणि मणि यह भाव आया कि अरे जिस गंगा को, जिस जो गंगा भगवान के चरण को स्पर्श करके आती है, उसको मैंने अपने जटा पे धारण किया तो मैं इतना महान हो गया। आज भगवान का चरण साक्षात चरण धारण किया हूँ, कितना महान हो जाऊंगा। अद्भुत नामकरण संस्कार आया, बहुत सुंदर वशिष्ठ जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी का स्वागत किया, महाराज आप हमारे पुत्र का नामकरण करें। देखिए भक्तों, जिस प्रकार भगवान का प्राकट्य होता है ना, वैसे ही भगवान के नाम का भी प्राकट्य होता है। जैसे भगवान सनातन है, भगवान का नाम भी सनातन है। और एक बात बताऊं सच में, तो भगवान से अधिक करुणामयी कौन है? भगवान का नाम। क्योंकि भगवान तो उन्हीं लोगों का उद्धार कर सके जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। लेकिन धन्य है भगवान का नाम। अगर आज भी कोई हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। बस भगवान क्या करते हैं? भगवान के नाम लीला के अनुसार से प्रकट कराते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, ये आपका बालक राम जी को पहले गोद में दिया, कहे कि ये बालक जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सुपाशी, सो सुख धाम राम शनामा अखिल लोक दायक विश्रामा, तीनों लोक में रहने वाले समस्त जीवों को आनंद प्रदान करेगा ये बालक, इसलिए इनका नाम क्या होगा? श्री राम। श्री राम चंद्र भगवान के जय। फिर दूसरे बालक को दिया और कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सुतोई, पूरे विश्व का भरण पोषण करने की क्षमता आपके भाई में है, इस बच्चे में है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? भरत। श्री भरत महाराज की जय। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा, आपके इस चौथे पुत्र का स्मरण करने मात्र से समस्त शत्रु का विनाश हो जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? शत्रुघ्न।
श्री शत्रुघ्न महाराज की जय। लक्ष्मण राम लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। आपका ये तीसरा पुत्र पूरे ब्रह्मांड का आधार है, पूरे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण करता है और समस्त भक्ति के लक्षण इसमें मौजूद हैं, इसलिए इनका नाम क्या होगा? लखन लक्ष्मण लखनलाल की जय। तो इस प्रकार चारों पुत्रों का नामकरण। एक दिन की लीला का वर्णन रामायणकार कहते हैं कि एक दिन देवी कौशल्या भगवान के लिए भोग बनाई, और जैसे मैंने आपको बताया ना, गृहस्थों का नियम है कि वह खाना बनाए और भगवान के मंदिर में, जो हमारे घर में छोटा सा मंदिर होता है, वहां पे रखे और भगवान को भोग लगावे। देवी कौशल्या ने लगाया और बाहर आ गई कमरे से, और जब भोग वापस और भगवान श्री रामचंद्र को पलने पर सुला दिया, जब वापिस भोग लेने के लिए गई तो देखते हैं क्या कि भगवान श्री रामचंद्र वहां बैठ करके भोग खा रहे हैं। फिर वापस आए तो देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र यहाँ सो रहे हैं। फिर वापस जा करके देखा तो भगवान श्री रामचंद्र भोग खा रहे हैं। तो कहते हैं कि उस समय कौशल्या ने कौशल्या को भगवान श्री रामचंद्र ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया है, परंतु वात्सल्य भाव प्रगाढ़ होने के कारण देवी कौशल्या उस भाव को भूल गई। एक दिन का निरूपण करते हुए एक लीला का, वैसे लीलाएं तो बहुत है लेकिन आज विवाह कराना है ना, आज विवाह कराना है कि कल कराना है, कब कराना है? क्योंकि लीला तो बहुत है, मैंने कहा था ना 7 दिन में भगवान की कथा सुनना संभव नहीं। अरे भगवान ने 800 श्लोक कहे हैं गीता में, हम लोग पिछले 3 साल से लगातार उसके ऊपर क्लास कर रहे हैं और आज तक पूर्ण नहीं कर पाया, 3 अध्याय भी बाकी है। यहाँ के बाद जाऊंगा गिरिडीह, गिरिडीह में 7 दिन की कथा है, उसके बाद फिर उसमें लगूंगा उसको कंप्लीट करने के लिए। भगवान की कथा बहुत अद्भुत है भक्तों, एक दिन की छोटी सी लीला बड़ा सुंदर लीला है, इसलिए वर्णन करूंगा और फिर थोड़ा सा फास्ट जा करके प्रयास करूंगा कि अगर आज विवाह हो जाए। एक दिन महाराज दशरथ अपने राज्यसभा से वापिस आए और वापिस आकर के बोला कि कौशल्या कौशल्या भोजन लगाओ। कौशल्या ने कहा अरे ऐसे कैसे भोजन मिलेगा, जाओ पहले राम को बुला करके जा। तो राम को बुलाने के लिए दशरथ जी गए और कहते भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आव ही तजी पाल समाजा, नहीं आव भगवान श्री रामचंद्र को भोजन करने के लिए बुलाया लेकिन भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि हो ही नहीं सकता कि दशरथ जी बुलाए और भगवान नहीं आए, ये कैसे संभव है? कुछ कारण आचार्यों ने अनेकों कारण बचाए हैं, मैं एक दो थोड़े टीका से कहते हैं। पहला कारण कि उस समय दशरथ जी एक पिता बन करके नहीं, एक राजा बन करके बुला रहे थे। क्या बन करके? राजा बन करके। जैसे राजा बुलाते हैं ना अपना प्रजा को, वैसे बुला रहे थे। भगवान ने बताया इस संसार में कोई व्यक्ति मुझे अपने पद अपनी प्रतिष्ठा अभिमान से बुलाएगा ना, जाने की बार तो दूर रही, मैं देखूंगा भी नहीं। पैसा है, कितना पैसा दिखाओ, अरे सभी पैसों के मालिक तो हमारे भगवान ही है। इसीलिए लिखा जाता है भागवत कथा के बाहर कि अपना पद प्रतिष्ठा और चप्पल यही छोड़ के अंदर जाएं, आगे कोई काम नहीं देने वाला अभिमान। दूसरा, जब भगवान श्री रामचंद्र खेल रहे थे
दौड़ रहे थे। तो महाराज दशरथ को चाहिए कि वह भगवान से तेज दौड़े और उसको पकड़ लें और भगवान को भोजन के लिए ले आवे। लेकिन महाराज दशरथ खड़े खड़े बुला रहे हैं, राज परिवेश में थे, मेरा वस्त्र तो खराब नहीं हो जाएगा, कुछ लोग भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं कि मेरा कपड़ा गंदा तो नहीं हो जाएगा, और नहीं तो ये क्या प्रणाम करने का नियम है? हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन कहीं पर नहीं है। ध्यान रखिए, भगवान को प्रणाम कैसे करना चाहिए? दंडवत, एकदम भगवान के सामने लेट जाना चाहिए, दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ पीछे, दोनों पांव पीछे, और एकदम दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ध्यान रखिए, भगवान को प्रणाम करने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं ना, क्या क्या लगता है, कितना अच्छा व्यक्ति है यह, कितना अच्छा व्यक्ति है, सब कुछ दे देते हैं भगवान, सब कुछ। वेद व्यास जी महाभारत में लिखते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ करो, कितना, 100 नहीं, क्षमा क्षमा, 1 अश्वमेध यज्ञ, 10 अश्वमेध यज्ञ करो और एक बार कृष्ण को प्रणाम करो, राम को प्रणाम करो, दोनों का फल बराबर। कौन लोग अश्वमेध यज्ञ कर सकता है यहाँ पर बताइए? कोई कर सकता है? नहीं। लेकिन अगर भगवान को प्रणाम कर लिया तो 10 अश्वमेध यज्ञ के फल तो ऐसे ही पैकेट में आ गया जी। 10 बार प्रणाम किया तो आप इंद्र बन जाएंगे, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है ना, वह इंद्र की गद्दी को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वेद व्यास जी का मन यहां नहीं भरा, बोला अश्वमेघ यदि पुनरेति जन्म, अश्वमेघ यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाय, जो कृष्ण को प्रणाम करता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता है भक्तों, दोबारा जन्म नहीं होता है जो राम को प्रणाम करता है। अरे आप सोचो, थोड़ा विचार करो, रावण को लेने के लिए, अच्छा चाहूंगा, लंका को लेने के लिए रावण ने क्या क्या किया, कितने बड़े बड़े यज्ञ किए कि नहीं, यहां तक अपने 10 मस्तकों को काट करके हवन कुंड में डाल दिया, और तब जा करके भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोले चलो ठीक है ले लो लंका। और वही लंका जब विभीषण जी भगवान के पास आए युद्ध के समय, तो जामन जी इत्यादि लेकर के आए, सूचना की प्रभु विभीषण आया है, आप कहें वो तो शत्रु का भाई है, रास्ते में ही टपका दे, मार दे उसको। तो भगवान ने कहा नहीं आने दो, तो भगवान तो शरणागत वत्सल है ना, आने दो। आया आया, और आते ही भगवान को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया भगवान ने कहा लंकेश, लंका का राज तिलक कर दिया, केवल एक प्रणाम करने मात्र से पूरी लंका दे दी, केवल प्रणाम करने मात्र से, केवल। तो इसलिए जब भी मिले जीवन में सिद्धांत बना लीजिए, बाहर जाऊंगा प्रणाम करूंगा, अंदर आऊंगा घर के प्रणाम करूंगा, महुआ बिछने से पहले प्रणाम करिए और बीच के आने के बाद भी प्रणाम करिए भगवान को। नहीं, आपका कार्य है, आपका जीवन है, आपका रोटी है महुआ, कोई भी कार्य करने से पहले, ऑफिस जाने से पहले प्रणाम करिए, ऑफिस जाने के आने बाद प्रणाम करिए, प्रणाम करिए, क्या दिक्कत है कृष्ण को प्रणाम करने में, राम को प्रणाम करने में, क्या दिक्कत? और दंडवत प्रणाम, ऐसे ऐसे नहीं, आजकल तो कुछ लोग मंदिर में जाते नहीं है, गाड़ी से जाते हैं, बाहर ही जाते होकर देखते हैं मंदिर रास्ते में आ गया, अरे मंदिर, प्रणाम नहीं करूंगा तो एक्सीडेंट करा देगा, इतना फ्री है बैठे हमारे भगवान, नहीं नौकरी से हटवा देगा, उनको और कुछ काम नहीं है, तुम्हारी नौकरी खाएंगे वो, गुस्सा आ जाएगा, बिजनेस ठप कर देंगे, यही सब करने के लिए बैठे, भगवान के पास इतना फुर्सत नहीं है। तो गाड़ी रोकते हैं, वहीं से करते हैं पिपी 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 पिपी, ये कौन प्रणाम है? हमारे आचार्यों ने कभी ऐसा प्रणाम नहीं किया भक्तों, कभी नहीं। हमारे शिक्षा गुरु हिजगृष लाल गुण प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोग निश्चित नरक में जाएंगे, कहां जाएंगे, नरक, और वहां भी इनको यमराज जी मारेंगे, धड़ाम धड़ूम दो चार डंडे मारेंगे, खूब कूटेंगे, कूटते समय हमारे भगवान राधा कृष्ण सीताराम बीएमडब्ल्यू पे आएंगे, पिपीक पिपीक, ये बोलेंगे प्रभु बचाओ बचाओ, बहुत कूट रहे हैं लोग, ये भगवान भी करेंगे, आता हूं और निकल जाएंगे। ध्यान रखिए, ये प्रणाम करने का सिद्धांत नहीं, कृष्ण को राम को दंडवत प्रणाम करिए। हमारे
संप्रदाय में ऐसे आचार्य हुए जो भगवान को गिनकर हजार बार डेली प्रणाम करते थे तब सोते थे, दंडवत प्रणाम, ऐसे खड़े नहीं, सोते थे उठते थे, सोते थे उठते थे, 1000 बार प्रणाम करते थे। आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे संत मिल जाएंगे जो प्रणाम कर रहे हैं, 1000 बार प्रणाम करते और तब जाकर के बस प्रणाम करने का क्या दिक्कत, प्रणाम। तो इस प्रकार से उत्कंठा होने की। तो महाराज दशरथ वापिस आए और बोले कौशल्या कौशल्या वो नहीं आ रहा है, तुम मुझे दे दो। ऐसे कैसे नहीं आएगा, रुको मैं जाकर के। कौशल्या जब बोल न जाए, कौशल्या जब भगवान को बुलाने गई तुरंत भगवान ठुमक 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 करके आ गए। कारण, कौशल्या खाना बना रही थी, मान लो रोटी बनाती होगी और बेलन लेकर के ही चल चल, कैसे कैसे आएगा, कैसे कैसे। ध्यान रखिए भक्तों, जिन्होंने भी भगवान को भक्ति से बुलाया ना, भगवान ही आ गए। अच्छा क्यों भगवान आ गए, बेलन हाथ में था, देख कर रखे कि बेलन से कूटेगी माता, ऐसा निजेंद्रियों प्रति वाचा। अगर अपनी इंद्रियों को मतलब अपने सेंस को ग्रेटिफाई करना है और बिल फाड़ना है भगवान के नाम से तो भगवान नहीं आएंगे। कृष्णेंद्रियों प्रति वाचा, लेकिन अगर कृष्ण के इंद्रियों को सुख करना है, राम के इंद्रियों को सुख करना है तो भगवान दौड़ते चले आएंगे, तुरंत आ जाएंगे। तुरंत भगवान दौड़ करके आ गए और भोजन कर लिया। अगर आप भी ध्यान रखिए भगवान, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप भी कल से ही दाल चावल सब्जी भगवान को भोग लगाएंगे ना, भगवान आएंगे आपके घर पे, गारंटेड है, गारंटेड, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, गारंटी लेता हूं। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ता प्रसिद्धि, जो भी देता है मैं लेने के लिए आता हूँ। तब तक कुछ लोग बोलेंगे क्या भगवान इतना गरीब है क्या, मांगते रहते हैं जब देखो तब। भगवान गरीब नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा भलाई हो इसीलिए हमें भगवान को देना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत समय बीता, यज्ञोपवीत संस्कार हुए और भगवान कुछ देर के बाद गुरु के गृह गए। जाके सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिनके श्वास से क्या होता था, वेद निकलता है। आज वह गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने गए, जीवन में सिद्धांत बताया कि गुरु होना चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान ग्रहण नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं हम कृष्ण को मानेंगे, राम को मानेंगे, लेकिन गुरु नहीं मानेंगे। गुरु मानना चाहिए, लेकिन अब कोई भी राह चलता व्यक्ति को गुरु ना बनावे, प्रमाणिक होना चाहिए। गुरु होने की परंपरा बताया हमारे शास्त्रों में, 4 संप्रदाय है, उस संप्रदाय में से गुरु होना चाहिए, वह गुरु राम कृष्ण विष्णु का भगत होना चाहिए। तीसरा चलेगा, तीसरा नहीं चलेगा, ठीक है। उसके गले में तुलसी होना चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए, उसे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। वह जो शास्त्र में लिखा गया है उन बातों को पढ़ता हो, फॉलो करता हो और खुद दूसरों को बताता हो तब वह गुरु है, अन्यथा वह गुरु नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं, खुद तो बड़ी लंबी लंबी बातें फेंक रहे हैं और बाहर जा जाके नहीं चलेगा, गुरु नहीं है, सिगरेट फूंक रहा है, गुरु नहीं है। जान लेना चाहिए, पहले ही बच जाओ, है ना, मुझे डर नहीं है, मैं जो बोलूंगा सही बोलूंगा, फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना चाहिए इन सारे चीजों का। गुरु ऐसे व्यक्ति नहीं बन सकते, राम कृष्ण विष्णु के भगत हो, 4 संप्रदाय में एक संप्रदाय से हो, किसी प्रकार का क्या कहते हैं उसको, 4 नियम जो है उसको पालन करे, किसी प्रकार का मांसाहार ना करे, किसी प्रकार का नशा ना करे, किसी प्रकार का दूसरी स्त्री दूसरे पुरुष का संग ना करे, किसी भी प्रकार का जुआ ना खेले, तब वह गुरु बनेगा।
है ना, नहीं तो कोई भी गुरु नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी बात जो शास्त्रों में बोला गया है ना, उसको अपने जीवन में उतारे तब जा करके बोले। शुद्ध गुरु तो वह है जो चाय भी नहीं पीता है, ध्यान रखिए, क्योंकि चाय भी एक नशा है। जो व्यक्ति चाय पीता है उसको दो दिन बंद कर दो चाय देना, पागल हो जाता है। नशा नहीं है तो क्या है बताओ मेरे को। अब देखो शास्त्र का सिद्धांत आगे क्या कहते हैं। गुरु गृह से वापिस आए भगवान श्री रामचंद्र और क्या कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नवा ही माता। और आज क्या है, प्रातः काल उठ के चाय लाए भगवान। क्या कर रहे हैं, मातु पिता गुरु नवा ही माता, अपने माता को अपने पिता को भगवान को और गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। और आज माथा किसके सामने नवा रहे, चाय के सामने। चाय नशा है, कभी भी नहीं पीना चाहिए। हम लोग नहीं पीते तो क्या हम लोग जीवित नहीं है, नहीं है जीवित। तो एक दिन इस प्रकार से, अब देखिए कभी हमारे आचार्यों ने चाय नहीं पिया, कभी भी भगवान ने चाय नहीं पिया, तो लिखते ना यहाँ पे प्रातः काल उठ के रघुनाथा बोले चाव लाओ चाय लाओ मेरी माता, बोला क्या, नहीं बोला। तो फिर भाई हम क्यों पिए। इसलिए कभी भी जीवन में याद रखिए कि हम चाय नहीं पिए, क्यों पिएंगे हम, क्यों पिएंगे जब हमारे भगवान नहीं नहीं पिया क्या। इस प्रकार से लीला आगे बढ़ी, लीला आगे बढ़ी। और एक दिन की कथा, एक दिन के प्रसंग का वर्णन करते हुए रामायणकार कहते हैं, आवाज बहुत हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए, आवाज शांत करिए, पीछे से भी आवाज आ रहा है, शांत बनाइए, शांति बनाइए। एक दिन विश्वामित्र जी आए, कौन आए, विश्वामित्र जी आए, कहां पर, अयोध्या में। क्यों, असुर समा हूं सदा वही मोहे, मैं जाचन आया हूं नृप तोहि। असुर लोग परेशान कर रहे थे, वो भी यज्ञ करना चाहते थे, कथा करना चाहते थे, तब तक उधर से हु करके वो आते थे, असुर लोग हल्ला करने लगते थे, कथा ही नहीं हो पाता था, यज्ञ ही नहीं हो पाता था। देखिए कह रहे हैं असुर समा, असुर समूह सता वही मोहे। इस प्रकार से धार्मिक कार्य में व्यवधान प्रकट करना क्या के कार्य है, कितने जगह हम लोगों ने देखा, कई जगह। तो कहे हैं कि हे राजन, मैं आपसे यहां पर आपके पुत्र को लेने के लिए आया हूं ताकि यह सुर ताड़का सुबाह इत्यादि का वध हो सके। अब जैसे ही कहा कि आपके पुत्र चाहिए, आपके पुत्र और राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया, इतना सुनते ही जैसे बारिश के मौसम में बादल की बिजली चमके, वैसे राजा दशरथ के हृदय में बिजली चमक गई। जैसे बादल के बिजली के गिरने से बरसों से जड़ जमाया वह वट वृक्ष धरा धरती पर गिर पड़े, वैसे ही विश्वामित्र जी के वचन को सुन करके महाराज दशरथ त्रास मार करके गिर गए, दुखी होकर कहने लगे, चौथे पन पा यह सुत चारी विप्रवचन नहीं कहे हूँ विचार। चौथे पन पा यह सुत चारी विप्रवचन नहीं कहे हूँ विचारी। ब्राह्मण देवता अब क्या बोल रहे हैं, थोड़ा विचार करके तो चौथे अभी सुना ना हमने कि अगर जो मालिक हो, जो राजा हो, अगर वह खुद गलत करेगा तो प्रजा गलत करेगी। आगे बताने की जरूरत नहीं है मुझे आपको। क्या बोल रहा था बताओ, भूल गया मेरे साथ गप करने से डाइवर्ट हो गया, तो भूल गया। क्या
कहते हैं ब्राह्मण देव तो थोड़ा विचार करके तो बताओ। अरे चौथे पन में मुझे पुत्र मिले और आप लेकर के जाओगे। बहुत राजा छटपटाने लगे। आप कहो तो हजारे गाय दे दूं, आप कहो तो सेना भेज दूं। बोले ना ना आपके पुत्र। उसी समय भक्त वहां वशिष्ठ बैठे थे, परिस्थिति को देखकर कंट्रोल करते हुए कहा महाराज जाने दो, याद करो आपका पुत्र यज्ञ से प्रकट हुआ है और उसका कर्तव्य है यज्ञ की रक्षा करना। गुरु ने बोल दिया, राजा दशरथ एक शब्द नहीं। गुरु आदेश परम आदेश, जीवन में याद रखिए। गुरु ने कह दिया उसके ऊपर कोई भी किंतु परंतु लेकिन इफ दैट बट नहीं। गुरु ने कह दिया फाइनल डिसीजन। जैसे ही आज्ञा दिया तुरंत चल दिए। रास्ते में भगवान ने ताड़का नाम के असुर का वध किया और फिर विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे। विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच करके कहा कि यज्ञ प्रारंभ करो, हम रक्षा करते हैं। रक्षा करने लगे। उसी समय विघ्न देने के लिए हुआ हुआ करते हुए कुछ राक्षस आए, खूब हल्ला मचाते हुए। लेकिन उस समय भगवान श्री रामचंद्र ने बिना फर का वान चढ़ाया और बिना फर का वान हाथ में उठा करके मरीज को मारा तो मारी 400 योजन दूर जाकर गिरा। तो गिरा, बोला बाप रे बाप, अब नहीं दोबारा जाऊंगा। बोला अरे यार 400 योजन दूर गिरा, खाली हाथ से बाण फेंक करके मार दिया, वो भी बिना फर वाला। अगर फर वाला बाण धनुष पर चढ़ा करके मारा होता तो माय गॉड कहां जाता। भगवान ने सोचा ये मारी जो है आगे चल के लीला में कार्य करेगा, इसको जाने दो। वैसे तो कथा बहुत लंबी है, लेकिन सभी असुरों को, असुर लोग भगवान पे तो मोहित हो गए। पहले भगवान इतना सुंदर दिखते ना, मोहित बोले रुको रुको इसको मारो मत, कितना सुंदर बालक है यार, इसको बंदी बनाओ, इसको लेके जाएंगे लंका और पिंजड़े में कैद करके रखेंगे और डेली देखेंगे कितना सुंदर बालक है, ले चलो इसको। तब भगवान ने सभी असुरों का वध किया। जो लोग जिस प्रकार से आए थे, सुबाहु नाम के असुर को पावकसर नामक यस्त्र से मार दिया। बहुत सारे असुर आए थे और सबको मार दिया। दूसरे दिन भगवान यज्ञ कंप्लीट करके फिनिश करके बैठे थे विश्वामित्र जी के साथ, और उसी समय धनुष यज्ञ का खबर आया। विश्वामित्र जी ने कहा राम आप चलोगे? भगवान बोले चलो, अब यज्ञ समाप्त करने आए हैं तो यज्ञ समाप्त करके ही जाते हैं। भगवान ने कहा आपकी इच्छा है तो चलते हैं, क्या बार बार आना, एक बार निकला यज्ञ पूरा ही कर लेते हैं। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। और जैसे ही आगे बढ़े कुछ देर में देखते हैं आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु बहुत सुंदर एक आश्रम देखा और आश्रम को देख करके पूछा कि महाराज ये आश्रम कैसा, इतना सुंदर आश्रम है लेकिन कोई खग कोई जानवर कोई मृग कुछ भी नहीं, केवल एक पत्थर की स्त्री, क्या बात है। विश्वामित्र जी ने कहा गौतम नारी श्राप बसुपल दे धरिधीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे राघव हे राम, ये गौतम नारी श्राप बस, पाप बस नहीं श्राप बस, श्राप के कारण यहां पत्थर बनकर पड़ी है उनकी। कहते हैं कि एक दिन यहां गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या रहा करती थी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या परम सुंदर, अहिल्या का कोई दोष नहीं था, दोष तो इंद्र का था। एक समय की बात, इंद्र की दृष्टि बिगड़ गई, अहिल्या के प्रति अवैध विचार आ गए मन में। गौतम ऋषि रोज सुबह सवेरे जग जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, उसमें अलार्म क्लॉक नहीं हुआ करता था, मुर्गा हुआ करता था और मुर्गा आवाज करता था कौक कौक,
और लोग जान जाते थे और चले जाते थे स्नान करने के लिए, लेकिन जब से लोगों ने मुर्गे को काटना शुरू कर दिया, मुर्गा अजान देना बंद कर दिया। तो एक दिन इंद्र जान गए कि ये शेड्यूल है, 2 बजे रात को इंद्र मुर्गे का रूप लेकर के आया और मुर्गे का आवाज करने लगा। गौतम ऋषि को लगा ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, घर से बाहर निकला और निकल करके स्नान करने के लिए गया तो देखा कि अरे चंद्रमा की गति से पहचान लिया कि ना ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ। वापिस आया तो देखा कि अरे मेरा ही स्वरूप लेकर के मेरे घर से कोई बाहर निकल रहा है। दौड़ते हुए गौतम ऋषि आए और पूछे कि यहाँ पे कौन आया है, क्या हुआ बताओ। यह लिया तो अबाक रह गई, यदि ये मेरे पति हैं तो वो कौन था। कुछ बोल नहीं पाई। गौतम ऋषि पूछते रहे बताओ बताओ क्या हुआ बताओ। अहिल्या अब आप क्या बताए, अहिल्या पत्थर की तरह खड़ी है। तब गौतम ऋषि को क्रोध आया और क्रोध में आकर के कह दिया पत्थर की तरह खड़ी हो, कुछ बोल नहीं रही हो, तुम्हें श्राप देता हूं कि पत्थर की हो जाओ। पत्थर हो गए। उसी समय ध्यान करके देखा तो इंद्र थे, तो इंद्र को भी श्राप दिया कि पुण्यहीन हो जाए, तो वह पुण्यहीन हो गए। परंतु हे राम हे रघुवीर, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या कई वर्षों से यहां पर पत्थर बनकर बैठी है, केवल तुम्हारे लिए प्रभु। पत्थर बन के बैठे केवल तुम्हारे लिए। वास्तव में अहिल्या से पाप हुई थी, ध्यान रखिए, परंतु पाप करने के बाद अहिल्या अपने पाप को छिपा नहीं रही थी। भक्तों बिल्कुल मार्ग पर बैठी है, चाहती तो कोने पर भी बैठ सकती थी। किसी ने कहा अहिल्या मार्ग पर क्यों बैठी हो, लोग आएंगे जाएंगे तुम्हें ठोकर लगेगी। तब अहिल्या ने कहा संसार के लोगों के ठोकर खाते 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 एक ना एक दिन मुझे भगवान के चरणों का ठोकर लगेगा, और जिस दिन भगवान के चरणों का ठोकर लग गया ना उस दिन तो मेरा उद्धार हो जाएगा। बहुत सुंदर बात भक्तों, जीवन में अपराध करना हमारा कर्तव्य है, मूलभूत अधिकार कह सकते हैं, अपराध करेंगे ही, लेकिन अपराध के बाद उसको क्षमा मांग लेना ये हमारा कर्तव्य नहीं है ना, ये भी हमारा कर्तव्य है। भूल होगा ही होगा। भागवत में देखिए, शास्त्रों में देखिए तो 33 करोड़ के देवी देवता के राजा इंद्र से सबसे अधिक गलती, सबसे अधिक गलती भगवान को नहीं पहुंचाया, पहचान पाए दुर्वासा ऋषि का अपमान, पृथ्वी महाराज का अपमान, ना जाने कितने अपमान। लेकिन देवताओं का गुण है कि वह अपमान करने के बाद, अपराध करने के बाद क्षमा मांगते हैं, और हम शान से रहते हैं, हम गलती नहीं किए काय मांगेंगे। अब ये ना करें कि क्षमा मांगने के बाद फिर से वह पाप करें। क्रिश्चियन धर्म में एक रीति है, वह शुक्रवार को जाएंगे, एक विंडो होता है और विंडो में जाके करेंगे जीसस आई हैव डन दिस आई हैव डन दैट आई हैव डन दिस आई हैव डन दैट, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, मैंने ये किया मैंने वो किया, इतना मांस खाया, इतने शराब पिया, इतनी स्त्रियों के साथ रहा, बोलेंगे और फिर शनिवार से कार्य शुरू कर देंगे। इसलिए ध्यान रखिए इस जगत में एक ही धर्म है, वह कौन है, सनातन धर्म। बाद बाकी सारे कैटो धर्म तो बना लिए गए, कोई धर्म है नहीं, कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह तो कहते हैं आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का पुत्र हूं, भगवान का मैसेज लेकर के आया हूं। वो तो खुद 13 साल जगन्नाथ जी के मंदिर में साधना करने के, उन लोगों ने उनको ही भगवान बना दिया। मूर्खता मूर्खता ओ मुस्लिम धर्म में क्या, मोहम्मद साहब पैगंबर कहते हैं मैं खुदा नहीं, मैं खुदा का पैगाम लेकर के आया हूं, पैगंबर हूं। अब उन्हीं को भगवान बना दिया, अब बताओ क्या किया जाए। सनातन ही धर्म है और दूसरा कोई नहीं। पूरी कथा बता करके कहा जीवन में जब भी पाप हो भगवान के पास जाकर इजहार करो, गुरु के पास जाकर के इजहार करो कि मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, ठीक है छुपाओ।
अहिल्या मार्ग में बैठी है, राह देख रही है कि कब भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। मुझे ठोकर मार रहे हैं, मुझे कोई बात नहीं। पूरी कथा बताकर महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, राम राम तुम्हारी राह देख रही है, तुम जाओ और अपना दिव्य चरण कमल उस नारी के मस्तक पर रख दो, उद्धार करो राम। विश्वामित्र जी के कहने पर रामचंद्र आगे बढ़े हैं, और जैसे ही आगे बढ़े, जैसे ही अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाया, अपना चरण बढ़ाया, भगवान ने चरण ऊपर किया, चरण की रज धूल जो है भगवान के चरण से गिरी और उस पत्थर को स्पर्श किया, और उस पत्थर को स्पर्श करते ही प्रकाश पुंज उत्पन्न हो गया, और उस प्रकाश से एक दिव्य नारी प्रकट हुई और स्तुति करने लगी। पर सत पद पावन सोकन सावन प्रकट भई तप पुंज सही, पर सत पद पावन प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, सुंदर रूप धारण के वे अहिल्या प्रकट हुए। भगवान का चरण रज स्पर्श होते ही अहिल्या श्राप से मुक्त हो गई। अहिल्या श्राप से मुक्त हो गई और परम प्रकाश छा गया। अहिल्या के शरीर से आज परम प्रकाश निकल रहा है, परम तेज निकल रहा है। आज भी कई लोग अपना तेज बढ़ाना चाहते हैं, विशेषकर माताएं, और अपना तेज बढ़ाने के लिए कई स्त्रियां घंटों जाकर के ब्यूटी पार्लर में बैठती हैं, तीन तीन घंटे चार घंटे बैठती हैं, मेकअप कराती हैं, क्यों, तेज बढ़ाने के बाद। और तीन घंटे बैठने के बाद जब बाहर निकलती है तो कैसे लगता है, जैसे देवी पूतना। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, देखो भागवत में लिखा है, ताम केश बंधन व्यक्ति तश्च मल्लिका। केस बंधे हुए थे, नाखूनों में नेल पेंट लगा हुआ था, पाउडर लगाई हुई थी, क्रीम लगाई हुई थी, ऐसी पूतना बनकर के आई थी भगवान को मारने के लिए। लेकिन भक्तों, ये ब्यूटी पार्लर का तेज एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, दस दिन रहता है, परंतु एक बार भगवान के चरण स्पर्श हो जाए ना, तो ये तेज एक दिन नहीं, दस दिन नहीं, सौ साल नहीं, जीवन भर रह जाता है, जन्म जन्मांतर तक रहता है। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही, देखत रघुनायक होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा, मुख नाही आवही बचन कही, अतिशय बड़ भारी चरण लागी जुगल नयन जल धार बहे, अतिशय बड़ भगवान की स्तुति कर रही है। खड़ी है, चाहती है भगवान की स्तुति करूं, लेकिन इतने वर्षों के बाद पत्थर से प्रकट हो गई। अहिल्या का उद्धार हुआ है, साक्षात भगवान को सामने देख करके अहिल्या बोलना तो चाहती है, लेकिन वाणी गदगद हो जा रही है, बोल नहीं पा रही है। ये है प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा। हमारे गौड़ी आचार्यों ने भी यही माना कि प्रभु कब ऐसा दिन आएगा, कोबे, जब मैं गौरांग नाम लूंगा और तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाएगा, मेरी वाणी गदगद हो जाएगी। गौरांग बोलिते होबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने बहिबे नीरा। कब ऐसा दिन आएगा, अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जल धार बहे, अतिशय जड़ भागी चरण लागी जुग
रघुपति कृपा भगति पाई। ये अल्लाह की वाणी करके दे, वाणी करके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। यति निर्मल पानी अस्तुति ठानी, यति निर्मल पानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। भय मोचन पाई पाई चरणियाई, राजीव विलोचन भय मोचन पाई पाई चरणियाई। देवी अल्लाह दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करें। हे राजीव लोचन, हे कमल लोचन, हे कमल के समान सुंदर रंग वाले, हे कोमल के समान सुंदर रंग वाले, हे कमल के समान सुंदर आंखों वाले, प्रभु आज मैं धन्य हूं, आज मैं धन्य हो गई प्रभु, आज आपका दर्शन मिला मुझे। और सच कहूं प्रभु, ये जो कुछ भी हुआ ना, इसके पीछे एक और मात्र एक कारण गौतम ऋषि का श्राप है। गौतम ऋषि का श्राप नहीं, उसकी कृपा है। उन्होंने, उस ऋषि ने जो मुझ पे श्राप किया ना, वो साधु ने जो मेरे पर श्राप किया ना, क्रोध किया ना, प्रभु वास्तव में कहूं वो श्राप नहीं, वो क्रोध नहीं, वो तो उन्होंने कृपा किया। कई बार कई गुरुजन हमें डांटते क्रोध करते तो हमें अच्छा नहीं लगता। हो सकता है मैं भी आप लोगों को डांटता हूं, आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि कुछ भी बोलते हैं प्रभु जी डांट देते। आपका उद्धार इसमें ही, हमें बुलाया गया है तो उसका मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके उद्धार के विषय में सोचूं, ना कि अपना उद्धार। आजकल के तथाकथित वक्ता चार्जेस लेते हैं, बुक कर लेते हैं और जो श्रोता के मन में आए वैसा ही कथा सुना, नहीं जो भगवान ने कहा है वो सुनाएंगे, है ना। सिद्धांत में कोई हेरा फेरी नहीं, डांट पड़े चलेगा, यही डांट उधार कराएगा। देखो क्या कह रही देवी अहिल्या, कि मुझे मुझे जो क्रोध किया ना, वो क्रोध नहीं, वह तो कृपा थी प्रभु। कई बार कई गुरुजन हमारे पर क्रोध करते हैं तो शिष्य को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शास्त्र का काट सिद्धांत भक्तों, कि जब जब कोई वरिष्ठ, जब कोई वैष्णव, जब कोई गुरु हमारे ऊपर क्रोध करते हैं ना, तो हमारा उद्धार करते हैं, अनुग्रह करते हैं। यहाँ पर देवी अहिल्या कह रही हैं, सुखदेव जी को स्वामी महाराज गजेंद्र स्तुति में लिखते हैं, कृपा किया अगस्त ऋषि ने इंद्रद्युम्न को श्राप देकर। मुनि श्राप जो दीना अति बल की ना, मुनि श्राप जो दीना अति बल की ना, परम अनुग्रह में माना, देखा बड़ी लोचन हरिभव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, देखो बलोचन हरिभव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। अय्या कहती है, मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया ना, बहुत अच्छा किया। गौतम ऋषि ने जो श्राप किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि यदि वह ऋषि मुझे श्राप नहीं दिए होते तो लाखों लाख वर्षों तक ध्यान करने पर भी, हजारों हवन करने पर भी, यज्ञ करने पर भी मुझे आपकी प्राप्ति नहीं होती। धन्य है उस ऋषि का श्राप, एक श्राप से मुझे डायरेक्ट आपके चरणों की धूल प्राप्त हो गई। भगवान ने कहा, अहिल्या मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मांगो मांगो जो चाहिए सो मांगो। अब हम होते तो क्या मांगते, थोड़ा विचार करो प्रभु, प्रभु 2 करोड़ रुपए, तो BMW, थोड़ा बॉम्बे में जमीन मिल जाए, थोड़ा देवघर में जमीन मिल जाए, एक अच्छी नौकरी, यही मांगते। लेकिन देवी अहिल्या कहती है, बड़ा लंबा चौड़ा दुआ दे देते हम लोग, आते हैं ना प्रभु जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, बाजू वाले के घर ना जाए, ध्यान रखना खाली मेरे घर आना चाहिए। लेकिन देवी अहिल्या कहती है, प्रभु मुझे तो मांगना आता नहीं। पर ये बात सत्य है भक्तों, हमारी मांग होती है और हम भगवान से मांग भी लेते हैं, लेकिन क्या उसके बाद हमारा मांगना बंद हो जाता है? नहीं, बढ़ जाती है। अरे मांगना तो उसे कहते हैं, एक बार मांग लो तो पूरा जीवन फिर मांगना पड़े। प्रभु हमें तो मांगना भी नहीं आता, क्या
पद कमल परागा रस अनुरागा। क्या कहते हैं प्रभु, मुझे मांगना नहीं आता लेकिन आप कह रहे हो आप देना ही है। अगर आपको देना ही है तो क्या पद कमल परागा रस अनुरागा पद कमल परागा रस अनुरागा कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधु पकरि पाना यही पद सुर चरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव सिंशदई। हे प्रभु आपको देना ही है तो आप वरदान दीजिए, आप कृपा कीजिए कि मेरा मन रूपी मोरा आपके चरण रूपी कमल की पराग रज में आ सकता है। जैसे भौरा कहीं दूर से आता है और कमल के रज में आ सकता होता है, भौरा सवेरे आता है और वह जानता है कि शाम होने वाला है, अगर मैं कमल को नहीं छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन भौरा अपने प्राण को त्याग देता है, अपने शरीर को त्याग देता है लेकिन कमल के रज को नहीं त्यागता। ठीक उसी प्रकार प्रभु मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण रूपी कमल पराग रज में इस प्रकार लगे कि वह कभी नहीं छोड़े। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 राम हरे हरे। विवाह कराना है आज क्या? आधा घंटा लग जाएगा अभी भी। आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं? हम तो राज में रह गए तैयार। चलो ठीक है, रेडी करो ना। विवाह का प्रसंग तो कितने लोग चाहते हैं कि आज विवाह हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कल हो जाए? आधे लोग चाह रहे हैं, आधे कल बोल रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं। लेकिन निवेदन है, आप लोग नहीं चाहते कि भगवान का विवाह आज हो? क्या दिव्य प्रवचन चल रहा है वहां पे? माइक दो प्रभु जी को, दो दो दो, देखे क्या दिव्य प्रवचन हो रहा है। आप लोग चाहते हैं कि विवाह होवे आज की नहीं चाहे? क्या चाहते हैं? लेकिन विवाह में तो क्या होता है, डांस करेंगे तो रेडी? सबको नाचना पड़ेगा, थोड़ा दूर में नाचना, वो चेयर वेयर हटा दो, उधर भी डांस होने दो, है ना? रेडी रहना सब लोग। लेकिन विवाह से पहले कथा तक तो जाने दो, विवाह तक जाने दो, उसके लिए शांति बनाओ, तब जाके जल्दी हो जाएगा, नहीं तो 12 बज जाएगा विवाह कराने में। इसीलिए कृपया शांत हो जाइए और शांति से बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब आधा पौने घंटे में विवाह हो पाएगा, कृपया बैठ जाइए। तो इस प्रकार से भगवान विश्वामित्र के संग, अरे बैठ जाइए, आवाज नहीं करिए भाई, भाई यहाँ क्यों जमघट लगा दिए? बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आवाज नहीं करिए, इधर से भी बैठ जाइए बाबा, बैठ जाइए, आवाज शांत करिए, फिर मैं कथा करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार विश्वामित्र मुनि किनका उद्धार कराए अभी? अहिल्या का। अब आप लोग एक मजे की बात बताओ, चलो बताता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र कौन से कुल में उत्पन्न हुए? रघुकुल। वेरी नाइस, याद करना कौन से कुल में? रघुकुल। उसके बाद क्या है? रघुपति। क्योंकि भगवान श्री राम रघुकुल में उत्पन्न हुए इसलिए उनको रघुपति कहा गया।
अब क्योंकि उनकी माता प्रेम से कभी कभी उनको राघव कहा करते थे, इसलिए क्या हो गया, क्या बन गया, रघुपति राघव। अब क्योंकि भगवान आगे चल के क्या बनेंगे, राजा, इसलिए क्या हो जाएगा, राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अब क्योंकि पति देवी अहिल्या का भगवान ने क्या कर दिया, उद्धार, इसीलिए हो गया पतित पावन। क्या बच गया, पूरा कर दे क्या, थोड़ा शांति बनाए रखना कृपया, शांति से सुनने में बड़ा आनंद आता है कथा, लेकिन कुछ लोग इधर गप कर रहे हैं उधर गप कर रहे हैं तो मेरा तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आते होंगे वो लोग, आप गप करो उनको, उनसे कोई मतलब, लेकिन मुझे मतलब है भाई, मैं यहाँ पे बैठे हुए एक एक व्यक्ति को चाहता हूँ कि वह भगवत धाम जाए, फिर वापस इस जगत में आकर के दुख नहीं हो। एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे तक, ये मेरी इच्छा है, एक एक व्यक्ति को। तो भगवान श्री राम को लेकर के विश्वामित्र जी कहाँ पहुंचे हैं, जनक में। अब जनकपुर का वर्णन करते हुए रामायण कार कहते हैं, कैसा जनकपुर, कैसा जनकपुर जैसा, उसका तुलना और दूसरा कोई नहीं। कहते पूर नर नारी सुभग सुचि संता, पूर नर नारी सुभग सुचि संता, पूर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्म शील ज्ञान संसार में कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहां पे सब लोग एक समान। महाराज दशरथ का राम राज्य बहुत अच्छा था, लेकिन नाम मंथरा मंदमती, एक मंथरा थी जो बुरी। रावण के राज्य में सब लोग बुरा था, लेकिन विभीषण था। लेकिन महाराज जनक के राज्य में सब लोग अच्छे। धर्म से ज्ञानी गुणवंता, जनकपुर में रहने वाले सब लोग धर्मशील थे। हमारे भगवान का ससुराल का वर्णन है, गाइए, सब लोग गुणगान कर रहे हैं, बहुत मर्सी। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण करके बैठे लेकर के आए हैं, और महाराज जनक जो बेटी की स्वयंवर की तैयारी में व्यस्त थे, जैसे ही पता चला कि मेरे राज्य में विश्वामित्र आए हैं, सारे काम काज को छोड़ दिया। ये हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए कि हमारे गांव में, हमारे शहर में कोई साधु आया है, कोई प्रमाणिक भगत आया है, सारे कार्य बाद में महुआ परसों बिछेंगे। एक्चुअली जा रहता हूं ना जहां पे इन्होंने हमारे आवास की व्यवस्था करी है, बड़ा सुंदर आवास, तो बड़ा सुंदर है। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं कथा के बाद भी कभी कभी आकर के फ्री रहूं तो यहाँ पे आ जाऊं और थोड़ा विश्राम करूं, बड़ा अच्छा आवास है। लेकिन क्या करूं, खिड़की खोलता हूं तो महुआ बिछता हुआ लोग, दरवाजे पे आता हूं तो महुआ बिछता हुआ लोग, कभी कभी छत पे जाता हूं तो महुआ बिछता हुआ, परेशान हो गया। महुआ का लड्डू नहीं आया, महुआ बिछते तो है हम लोग, लेकिन लड्डू आया नहीं। लड्डू आना चाहिए ना भगवान के लिए, महुआ तो फल है ना, लड्डू बनाइए कल, कल सब लोग लड्डू लेकर के आइए, महुआ का, महुआ का लड्डू ही कल प्रसाद में बिकेगा। बहुत पहले बचपन में खाया था, हम तो सदियों से नहीं खाया। स्वयंवर की तैयारी में व्यस्त है, लेकिन पता चला प्रमाणिक संत आए, सारे कार्य छोड़ करके, महुआ हुआ सब बाद में बिछेंगे, पहले संत के स्वागत में। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए।
जैसे ही महाराज जनक को पता चला विश्वामित्र ऋषि आए, जनक जी अपने सारे कार्य को छोड़कर विश्वामित्र के पास आए। भक्तों ये हमारे देश की परंपरा है, साधु आते ही सारे कार्य खत्म, पहले साधु का स्वागत। साधु आते ही सारे कार्य खत्म, बाद में सारे कार्य। धन्य है महाराज जनक, पता चला विश्वामित्र से आए हैं, सारे कार्य छोड़कर के विश्वामित्र के दर्शन के आए, प्रणाम किए, दंडवत किए। ऐसा नहीं, और क्या हाल है पंडित जी, क्या हाल है महाराज जी, ठीक है ना, नहीं दंडवत प्रणाम, साधु को देखे प्रणाम। बहुत सुंदर देखा, और देखा कि विश्वामित्र के साथ करोड़ों करोड़ों कामदेव को मूर्छित करने वाले, आवाज नहीं पीछे से आवाज नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेव को मूर्छित करने वाली राम सुंदर मूर्ति राम और लक्ष्मण का दर्शन हुआ। सहज विराग रूप मनमोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, पूछा कि विश्वामित्र जी ये अद्भुत छवि कौन है, मैं तो आत्मा में रमण करने वाला जनक हूं, मुझे किसी प्रकार का ममत्व नहीं, लेकिन इनमें मेरी ममता क्यों जागृत हो रही है। विश्वामित्र जी ने कहा ये कौशल्यानंदन श्री राम और सुमित्रानंदन लखन। बहुत सुंदर सुंदर सदन सुखद सब काला, ताहा पासु ले दिन भुआला। बहुत सुंदर, एक सबसे सुंदर कमरा, आवाज नहीं, पबजी खेल रहे वहां पे बैठ जाए। सबसे सुंदर कमरा अपने राज्य का किसको प्रदान किया, साधु को। हमारा क्या है, हम लोग रहेंगे अच्छे वाले में, साधु को कोई देना चलेगा, चलो ठीक है, लेकिन गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमें तो बहुत सुंदर कमरा दिया है, बहुत अच्छे। तो बहुत सुंदर कमरा दिया जिसमें एसी और हीटर दोनों लगा था, वातानुकूलित। आप मत सोचो कि अभी एसी और हीटर बने, बहुत पहले से है। सुंदर सदन सुखद सब काला, क्या बोल रहे हैं, सुखद सब काला, हरे काल में सुखद, मतलब क्या हुआ, ठंडी में गर्मी और गर्मी में ठंडी। आज का जो टेक्नोलॉजी है ना बहुत तुच्छ है, इससे बड़ी टेक्नोलॉजी हुआ करती, पढ़ने तो कभी आना मेरे पास, मैं बताऊंगा दिखाऊंगा टेक्नोलॉजी आपको, कहां पे है टेक्नोलॉजी और वो कहां। तो बहुत सुंदर यहां पर आए और भगवान श्री रामचंद्र लखन जी को गुरु से आदेश लेकर के कहां गए, जनकपुर दिखाने के। भगवान ने कहा कि गुरुदेव ये मेरा भाई लखन है, जनकपुर दिखना चाहते हैं आपको, तो दिखा दो। ठीक है, राम है तुरंत आदेश मिल गया, कृष्ण होते तो नहीं, ऐसा ही आदेश मथुरा में मांगने के लिए गए थे हमारे भगवान अपने पिता नंद से, कहते बाबा बाबा आपको तो थोड़ा मथुरा देख करके आ जाओ, बोले नहीं एकदम नहीं जाना है, बैठ जाओ बाबा, जाने दो ना, जाने दो ना, जाने दो ना, बोले ठीक है जाने दूंगा, अगर सीधे सीधे चलोगे तो कृष्ण कहते अगर बीच में दीवार आ जाए तो, बोले तेरे को नहीं जाना, तू इधर ही रह, बोले नहीं बाबा जाने दो ना, जाने दो ना, बोले ठीक है जाओ, लेकिन जाने दूंगा, दुकान से कोई वस्तु नहीं खरीदेगा तब, बोले बाबा चोरी तो कर सकते हैं ना, बोले तू नहीं जाने, तू इधर ही रह, बोले बाबा जाने दो, अच्छा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, जाने दो, ठीक है साहब, लेकिन किसी से लड़ाई नहीं करोगे तब, बोले बाबा और अगर कोई हमें मारे तो, कृष्ण को साधारण मूर्ति नहीं मिलती थी। विश्वामित्र ने कहा राम राघव जाओ, दोनों गए हैं और दोनों ने बहुत सुंदर जनकपुर के लोगों को, लोगों की आंखों को तृप्त किया, अपना दर्शन किया कराया। और शाम हुई, शाम के बाद शाम को बहुत सुंदर दोनों शिष्य राम और लखन विश्वामित्र के चरण सेवा कर रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए हम अपने गुरु के वपु मानसिक वाकिक वाचिक सारी प्रकार की सेवाएं करें, जो उन्होंने आदेश दिया है उसका पालन करें, है ना, उनके शरीर की सेवा करें, इस प्रकार से करना चाहिए। और फिर सवेरे फूल चयन करने के लिए राम और लखन वाटिका में पहुंचे,
वाटिका में पहुंचे हैं, पुष्प वाटिका में पहुंचे। रामायण में दो वाटिका कौन सी पुष्प और अशोक, एक वाटिका धर्म का, एक वाटिका पाप का। पाप के वाटिका को तो हमारे हनुमान जी ने उजाड़ दिया जी, एक वाटिका में भगवान श्री राम और देवी सीता का मिलन, एक में वियोग। तो पुष्प वाटिका में दोनों गए हैं, पुष्प तोड़ने के लिए गए हैं। और एक सखी ने, देवी सीता के सखी ने कल रामचंद्र को जब जनकपुर के दर्शन के लिए निकले थे तो उन्होंने उनको देखा था और उसके मन में विचार आया था, इतना अद्भुत पुरुष का विवाह अगर हमारे देवी सीता के साथ हो जाएगा तो अद्भुत हो जाए। और आज उसी सखी ने भगवान श्री रामचंद्र को अशोक पुष्प वाटिका में प्रवेश करते देख लिया। दूसरी ओर देवी सीता को माता सुनैना ने कहा, सीता कल तुम्हारा स्वयंवर है बेटा, आज जाओ और जाकर के गिरिजा जी की पूजा करके आओ। गिरिजा जी की पूजा करने जा रही है, सखी ने देख लिया और सखी ने देखा कि राम आए हुए हैं। सखी सीता के पास गई और कहते, सखी सीते सीते पुष्प वाटिका में मैंने एक बहुत सुंदर पुरुष का दर्शन किया है, कराया है, आज मैं तुझे उसका दर्शन कराऊंगा। करोड़ों करोड़ों कामदेव को लुभाने वाले, जैसे एक गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़ करके भगवान के मंदिर के पास लेकर के जाए, वैसे सखी सीता का हाथ पकड़ करके भगवान के पास मिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। और उधर लक्ष्मण जी ने देखा कि इनकी एंट्री हो चुकी है, लक्ष्मण जी से जितना हो सका भगवान को सजा दिया, एक झाड़ी के पीछे बिठाया और फूलों से भगवान को सजा दिया। लक्ष्मण जी सजा रहे हैं और देवी सीता सखी का हाथ पकड़ करके आ रही है। सखी ने धीरे 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 करके उस झाड़ी को हटाया और देवी सीता और भगवान श्री रामचंद्र पहली बार एक दूसरे से मिले, पहली बिल्कुल आमने सामने हो गए। और रामायणकार लिख चुके क्या, लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देख की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए की पड़ी बरात। वैकुंठ के बिछड़े लक्ष्मी नारायण प्रिया प्रीतम आजी, मुझे जो इस प्रसंग से आपको बताना है, सीता मानो भक्त हैं और सखी मानो गुरु, और उस सखी ने सीता को राम से मिलाया। मैं बस इतना चाहना चाहता हूँ कि गुरु का काम इतना होता है कि वो भगत का हाथ पकड़े, अपने शिष्य का हाथ पकड़े और भगवान से मिला दे और बाद में बाजू हट जाए। लेकिन आज के गुरुओं की स्थिति खुद भगवान बन करके बैठ जाते हैं। बचिएगा ऐसे गुरुओं से, बचिए। प्रिया प्रीतम मिले, राम सीता एक दूसरे को देख रहे हैं। सीता के हाथ को पकड़ करके जबरदस्ती सखी अंदर लेकर के गई। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र लखन से कहते हैं, लखन आज तक मेरा मन किसी स्त्री पर नहीं गया है, लेकिन आज मेरा मन इस स्त्री पर जा रहा है। लखन कल निश्चित आज स्वयंवर में यह देवी सीता तेरी भाभी बनने वाली है, निश्चित। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन को पंत प्रभु धरै न काउ। तो राम और लक्ष्मण वापस गए और देवी सीता गिरिजा जी के स्थान पर गई और अपनी दोनों झोली फैला करके, दोनों हाथ जोड़ करके देवी सीता पार्वती से कहती क्या, जय जय गिरिवर राज की सोरी, 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 जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय
दामिनी द्रुति दाता वाटिका में जिस राम को मैंने देखा कल स्वयंवर में वो मेरे पति बन गया। हमें भी मांगना चाहिए अन्य देवी देवताओं से, हे शिव जी, हे देवी दुर्गा, हे देवी काली, हे हनुमान जी, हे गणपति गजानन जी महाराज, कृष्ण हमारे प्रीतम बन जाए, राम हमारे प्रीतम बन जाए, स्वामी बन जाए, पुत्र बन जाए, गणेश जी को मनाती है। गणेश जी, आज तक मैंने आपकी पूजा की, जानते क्यों? आज के दिन के लिए कि ये राम मेरे पति बन गए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय गजपतन सदानन माता यदि हम राम की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हमें इन देवी देवताओं से धन संपत्ति ना मांग के राम और कृष्ण मांगना। गोपियों ने भी मांगा ना, कात्यायनी महामाया महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी से कहती है कि मेरी इच्छा को पूर्ण कर। और आश्चर्य की बात, सीता की प्रार्थना सुन करके देवी पार्वती बोलने लगी, मूर्ति बोलने लगी। हमें तो विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हमसे तो हमारा बाजू वाला नहीं बोलता, मूर्ति क्या बोलती है? बाजू वाला मुंह चिढ़ाता है तो मूर्ति क्या बोलेगा? लेकिन यहाँ पर बोलने लगी क्या, मनोजाही रचे हूँ मिली हूँ सो पर सहज सुंदर सांवरो मन चाहो रचे हूँ मिली हूँ सो पर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान से सने हूँ जानत सांवरो देवी भांति गौरी अशीष सो सीता, तुम्हारे मन में जो पुरुष है ना, निश्चित वक्त तुम्हारे पति बन जाए। पार्वती को अनुकूल जानकर देवी सीता प्रसन्न हुई, वहां मंग पड़कने लगा। दिन बीता, सुबह हुआ, जैसे स्वयंवर की सभा लगी उस दिन सुबह जगकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण अपने आश्रम से लेकर के जा रहे हैं और कहते हैं, राम लक्ष्मण चलो मेरे साथ, देखते हैं धनुष यज्ञ में किसके किस्मत में, विधाता किसके भाग्य में देवी सीता को। लक्ष्मण जी बोल पड़े, गुरुदेव किसके हाथ में, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो, मतलब हमारे भाई के और किसका। कहते हैं उस समय देश विदेश के भूपति नाना, समस्त देश विदेश के बड़े बड़े महाराजा आया। देव धनुज धीर मनुज शरीरा विपुल वीर आयरन थीरा, बड़े बड़े देव दानव सब लोग उस सभा में आए। और देवता और दानव भी मनुष्य को ले रूप लेकर के वहां आए हैं और उस सभा में विराजमान हुए। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हैं और उसी समय महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के उस सभा में प्रवेश किए। कहते हैं कैसे, राज समाज विराजत रूरे उड़गन महो जुग जन्म जुग विपुरे राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय
राज समाज विराजत रूरे उड़ गण महु गण जुग विदु पूरे विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर उस सभा में आए। सब लोग बैठे रहिए, पीछे जाकर के देखिए, ऐसे आगे मत लगिए, पीछे जाके देखिए आराम से, नहीं तो इन लोगों को मैं पीछे भेज दूंगा। बैठ जाइए आप लोग और देखिए आराम से, कथा होने दीजिए। कहते उस समय हजारों लाखों लोग उस सभा में बैठे थे, लेकिन भगवान के प्रति जिसकी जैसी भावना थी ना, उसने उसको वैसे ही देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी राम से आराम के सभा में जो लोग बैठे थे, जिनकी जैसी भावना वैसे भगवान हुआ। महान राजाओं ने भगवान को स्वयं वीर रस के रूप में देखा। कुटिल राजाओं ने भगवान को विकराल मूर्ति के रूप में देखा। राक्षसों ने भगवान राम को साक्षात काल के रूप में देखा। नगरवासियों ने भगवान राम को मनुष्य में नरवर के रूप में देखा। स्त्रियों ने भगवान को माधुरी रूप में देखा। विद्वानों ने भगवान को विराट रूप में देखा। जगत के जनक जी के संबंधियों ने राम को अपने रिलेटिव के रूप में देखा। और जनक की रानियों ने भगवान राम को अपने बच्चे के रूप में देखा। और योगियों ने परम तत्व के रूप में देखा। उस सभा में हरि भक्तों ने भगवान को अपने इष्ट देव के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तन देखी तैसी राम सिया राम को बिठाओ। इस सभा में सुनिए, देखिए कितना महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हैं। इस सभा में सबने अपने भाव के अनुसार को भगवान ने देखा। किसी ने पूछा रामायणकार से, देवी सीता ने किस भाव से देखा। रामायणकार की कलम रुक गई। कहते हैं जिस रूप में राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, वह भाव या तो देवी सीता जानती है अथवा भगवान श्री राम। सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वर्ष विश्वामित्र को देखकर जनक जी अपने आसन से उतरे और विश्वामित्र को लेकर के उच्च आसन पर विराजमान कराए और इस तीनों पर वहां विराजमान कराया। जब राम और लक्ष्मण के ऊपर बिठाया तभी तो सब राजा लोग जलने लगे। ये दूध पीते बच्चे को ऊपर और हमें नीचे, इतनी तो ईर्ष्या भरी पड़ी थी। बंदी महागणों को बुलाया गया। महागण ये बंदी गण गाने लगे वृंदावली कि राजा जनक की अद्भुत कन्या, इसका विवाह उनसे होगा जो धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़। देखिए ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, मैं ऐसी स्थिति में कथा नहीं कर, बुजुर्ग हैं संभालिए इनको। देखिए देखिए बैठिए, कुछ लोग बैठ जाइए। नागेश्वर जी ध्यान रखिए इन लोगों का, अद्भुत स्थिति है। आप लोग बुजुर्ग हैं गांव के, अगर आप हल्ला करेंगे तो फिर कैसे होगा। बिठाइए पीछे ले जा करके, क्या दिक्कत है भाई। तो
बंदीगणों ने ऐलान किया। इतना सुनते ही सब राजागण एकदम तैयार होने लगे, अभी जाऊंगा धनुष उठा लूंगा। बंदीगण ऐलान करने लगे, हे राजा महाराजों, ये शिव धनुष राहु के समान है, लेकिन आप लोग कम नहीं, आप लोग भी ताराओं के समान चमक रहे हो, जैसे आकाश में तारा चमचमाते हैं। इतना सुनते ही तो राजा महाराजा अपने मूंछ पर ताव देने लगा, अभी उठी उठी नृप भुज बल बिनु विद, नृप भुज बल बिदु शिव धनु राहु, करहु कठोर विदित सब काहु। नृप भुज बल बिदु शिव धनु राहु, करहु कठोर विदित सब काहु। जनक जी के बंदीगण गए, राजाओं धनुष राहु के समान है, आप लोग ताराओं के समान है। सब लोग अपने मूंछ पर ताव देने लगे। जनक जी के बंदीगणों के बात नहीं समझ सके कि राजाओं ताराओं का अपना प्रकाश नहीं होता, अरे वो चमकते हैं सूर्य के प्रकाश से। ये आपका प्रकाश नहीं, आपके बीच में सूर्य कुल रूप भूषण भगवान श्री रामचंद्र बैठे हैं, इसीलिए आप चमक रहे हो। उसी समय कहते हैं, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महिप नहीं जाने, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते जो कुटीर जो सुशील राजा थे, जो सुशील राजा थे, जो सज्जन थे, उन्होंने मन सोच लिया, अरे देवी सरी से देवी सीता पृथ्वी की पति पुत्री है और हम पृथ्वी के पति हैं, महीपाल है, अपने पुत्री से विवाह का ख्याल तो कोई स्वप्न में भी नहीं आ सकता, और हम इतने निर्लज्ज हैं कि हाँ चलिए चलो चलो। जो सज्जन थे वो तो चले गए, लेकिन जो कुटिल थे वहां बैठे गए। गजानन गणपति महाराज से प्रार्थना करने लगे कि मेरा चांस पहले आना चाहिए, गजानन गणपति महाराज मेरा चांस पहले आए और मेरे से धनुष टूट गया तो 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। बिजनेस शुरू, गणेश जी से बिजनेस शुरू। थोड़ी देर के बाद इनकी ही अपनी क्या कहते हैं उसको, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था। कहते थे महाराज मेरे से ना टूटे कोई बात नहीं, मेरे बाजू वाले से नहीं टूटना चाहिए 10 किलो लड्डू। इतने तो कुटिल थे लोग। ये राजा गण अपने मुझ पर ताव देने लगे। तब एक राजा ने जंगा को ठोंक कर मुछों को ताव देकर कर खड़ा हुआ, लगा अब तो ये उठा ही लेगा, ये उठा। लेकिन धनुष के पास जैसे ही गया, एक हाथ से उठाने का प्रयास किया, नहीं उठा। दोनों हाथों से उठाया, नहीं प्रयास किया, नहीं उठा पाया। दूसरा राजा प्रयास करने के लिए गया, तीसरा राजा, चौथा राजा, पांचवां राजा प्रयास करने लगे, लेकिन ये धनुष नहीं उठता था। मानो धनुष उन राजाओं की शक्ति को हर लेता। तमहि धरहि धनु मूढ़ निर्बुधहि धनान चलहि जल जाय, मन उपाय भट बाहुबल अधुक अधुक गरुआय। मानो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे ही ये राजा उठाने का प्रयास करते, इनका बल वह धनुष हर लेता हो। धनुष इतना भारी होता है। सब लोग प्रयास किए, नहीं उठा पाए। जब एक एक राजा से नहीं उठा तो दो दो लोग मिलकर के उठाने का प्रयास किए, पार्टनरशिप में। बोले पहले उठा लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि देवी सीता किसकी होगी। बोले ठीक है। दो दो राजा, तीन तीन राजा, चार चार राजा, पांच पांच हजार, पांच पांच सौ सौ, एक एक हजार, दो दो हजार राजा उठा नहीं सके। सोचो तब रामायणकार ने ऐलान किया उस समय क्या, एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, दस नहीं, दस हजार राजा उस समय उस राज्यसभा में खड़े हुए और कहे, भूप भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई न तारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई न तारा। उस शिव धनुष को उठाने के लिए एक नहीं, दस नहीं, दस हजार राजा खड़े हुए, लेकिन कहते डगई न सांप सरासन कैसे, कामी बदन सती मन जैसे। डगई न सांप सरासन कैसे, कामी बदन सती मन जैसे।
जैसे किसी कामी पुरुष के वचन का असर किसी सती स्त्री के ऊपर नहीं होता, वैसे ही उन राजाओं के बल का असर उस धनुष के ऊपर होता है। और तब जब दस दस हजार राजा महाराजा मिलकर नहीं ला पाए, तब जनक जी से कहा गया और बड़े दुखी होकर कह दिए, बस अब उपहास ना हो तो अच्छा। यदि मुझे पहले पता होता कि आप में से कोई सिर्फ धनुष नहीं उठाता तो ये प्रतियोगिता रख करके मैं अपनी हंसी नहीं उड़ाता। अरे आप में से कोई धनुष को उठा नहीं पाए, आप इतने बड़े बड़े पराक्रमी हो, क्या मैं नहीं जानता हूं कि बड़े बड़े देवता और दानव भी यहां बैठे हैं, कोई नहीं हिला पाया, दिल भर भी नहीं हिला पाए। तज हुआ निज गृह जाओ, गेट लॉस्ट 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 गेट आउट आउट भागो भागो चले जाओ। महाराज जनक ने सबका अपमान कर दिया लेकिन एक भी नहीं हिला। अब जनक जी ने कह दिया जाओ, जाना चाहिए नहीं गया। क्या बोलते हैं सोचे, अरे जब हमसे धनुष नहीं उठा क्या ये दूध पीते बच्चे उठाएंगे, और जब महाराज ने ये लोग भी नहीं उठा पाएंगे तो कह देंगे देवी सीता को जाओ किसी के गले में डाल दो, शायद हमारा नंबर आ जाएगा, इतना स्मार्ट तो दिखते हैं। लेकिन महाराज जनक आक्रोश में आकर के कह दिया, वीर बहीन मही में जाना, वीरों से खाली हो गई है धरती में जाने गया। अब जिस समाज में भगवान राम बैठे हो, उनके भाई राम लक्ष्मण जी बैठे हो, अनुज बैठा हो और कोई कह दे वीर बहीन में जानो, लक्ष्मण अनंत से ऐसे अवतार फुफकार मार करके खड़े हो गए, जैसे सर्प की पूंछ के ऊपर पांव आ जाए, सर्प फुफकार मार के खड़े हो जाए, फुफकार मार करके खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा बस महाराज बस, अब एक शब्द नहीं होना चाहिए। जिस सभा में रघुकुल का एक दिन का बालक भी बैठा हो, उस सभा में ऐसे वचन बोलने का कोई हिम्मत नहीं करता, और यहाँ साक्षात भगवान श्री रामचंद्र बैठे हैं और ऐसे वचन, अरे वीरता ही देखनी है आपके शिव धनुष की बात क्या करूं, यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लूं और उसको ऐसे पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो सुमेरु पर्वत को मुल्ली की तरह उठा, यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो इस धनुष को उठाकर 100 योजन तक चला जाऊं, और अगर ऐसा ना कर सकूं तो हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगू। लक्ष्मण जी अब इस प्रकार से आक्रोश में वचन कहने लगे तो उसका उसका असर पूरे वातावरण पर होने लगा, और ब्रह्मांड और धरती डोलने लगी, आकाश कांपने लगे, सारा राजा महाराजा सोचने लगे निश्चित पर नहीं हो जाएगा। लखन बचन सको बज बोले जगम गानी महिनी गज डोले, लखन बचन सको बज बोले जगम गानी। लक्ष्मण जी के वचन का असर पूरे वातावरण में होने लगा, सब लोग समस्त ग्रह नक्षत्र ये धरती सब कुछ कांप रहा है। उस सभा में सभी राजा महाराजा कांप रहे थे, केवल दो चीज वैसी की वैसी थी, क्या? एक भगवान श्री रामचंद्र और दूसरा शिव जी का धनुष। लक्ष्मण जी लाल पीले हो गए, भगवान श्री रामचंद्र के पास गए, भैया भैया मैं इतना क्रोधित हो गया हूँ, आपको कुछ नहीं हो रहा, भैया मैं इनके वचन को सुन करके लाल हो गया, आपको कुछ नहीं। तब भगवान बोले लखन करना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन क्या करूं, गुरु जी की आज्ञा नहीं है, गुरु की आज्ञा के बिना कैसे, कितने सुबद है भगवान, देखिए बिना गुरु की आज्ञा का कुछ नहीं। बोले लखन गुरु जी की आज्ञा नहीं है लेकिन लखन तुम चिंता ना करो, सूर्य उगता है तो उगने से पहले लालिमा आती है, तो लालिमा तो तेरे मुख से आ गई है, बस अब सूर्य उगने ही वाला है, लखन बैठ जा, सूर्य उदय होने वाला है। विश्वामित्र जी समझ गए कि अब वो क्षण आ गया जब भक्त और भगवान एक हो जाए, प्रिया प्रेतर मिल जाए। उसी समय योग समय देखकर जनक जी की चिंता को दूर करने के लिए विश्वामित्र जी अपने वरद हस्त को ऊपर उठाए और कहते हैं क्या, उठहु राम जहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा, उठ राम। जनक जी
हृदय से दुखी हैं। उठूं राम भजूं भव चापा, मिटूं तात जनक परितापा। उठूं राम राम धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई और जनक जी के परिताप को मिटा दिया। गुरु जी के आदेश को पाकर भगवान श्री रामचंद्र अपना धनुष बाण रखकर अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और गुरु जी से आज्ञा लिए प्रार्थना की और भगवान श्री रामचंद्र धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र धनुष की ओर बढ़ रहे हैं और कैसे लग रहे हैं रामायण कार कहते हैं। उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। भिक्षे संत सरोज सब हरसे लोचन रिंग, भिक्षे संत सरोज सब हरसे लोचन रिंग। उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अपने स्थान पर खड़े हुए तो वैसे ही लगता है जैसे जैसे एक छोटा सा जैसे छोटा सा सूर्य आकाश में आ रहा हो, जैसे किसी पर्वत के पीछे से कोई सूर्य आकाश में आ रहा हो, ऐसा लगता है। रामायणकार ने बहुत सुंदर सुंदर बताया कि जैसे कहते हैं जैसे सूर्य उदित होता है और कमल खिल जाता है, कमल के मुख खिल जाते हैं, वैसे ही उस सभा में बैठे हुए सभी साधु संतों का मुख खिल गया जैसे आपका मुख खिल गया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदयगिरि मंच पर। रामचंद्र खड़े हुए हैं जैसे वनराज केसरी सिंह पर्वत की कंदरा से निकलकर शिकार करने जा रहे, बड़े वीर रस की मुद्रा में भगवान धीरे 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 आगे बढ़े। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र आगे बढ़े तुरंत सुनैना के हृदय में शंका बढ़ी, बोले अब विश्वामित्र जी भी हमारा उपहास कराएंगे, अब विश्वामित्र जी भी हमारा उपहास कराएंगे। रानियों ने समझाया, अन्य दासियों ने समझाया कि रानी चिंता ना करो, जो छोटा देखने में छोटा लगता है ना वो छोटा होता नहीं है, देखो तो सही। तेजवंत लघु जानी ना रानी। धीरे धीरे प्रभु आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर भगवान श्री रामचंद्र धनुष को प्रणाम करते हैं। हे भोलेनाथ, आज मैं आपके इस पिनाक पानी को तोड़ने जा रहा हूं, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। एक परिक्रमा करते ही सीता जी के हृदय में चिंता बढ़ी, सीता के मन में अब धीरज धारण नहीं हो रहा, लाखों सभासद की दृष्टि धनुष के ऊपर। अब मैं क्या कहूं, थोड़ा सा नीचा दृष्टांत, कैसी दृष्टि थी देखो, जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच हो, तीन बॉल बचा हुआ हो और स्ट्राइक पर धोनी हो, कैसे सबकी निगाह टीवी पर, वैसे ही सबकी निगाह धनुष के ऊपर, लाखों सभासदों की दृष्टि धनुष पर। अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, पता नहीं। सीता जी अपने इष्ट को समस्त देवी देवताओं को याद कर रही हैं और गा रही हैं क्या, गाइए गणपति जग बंदन, गाइए भवानी के नंदन,
विनती सुन मोरी बार 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 विनती सुन मोरी बार बार विनती सुन गणेश जी के चरणों में विनती कर रही है बार बार विनती सुन मोरी बार करहु चाप गुरु दाति थोरी करहु चाप गुरु दाति थोरी हे गणेश जी आपके चरणों में निवेदन है कि आप इस धनुष के वजन को कम कर दीजिए जिससे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र से उठा पाए गाइए गणपति जग बंदन गाइए गणपति जग बंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन गाइए गणपति जग बंदन गाइए गणपति जग बंदन जैसे एक छोटा सा बालक अपनी तोतली बोली से अपने माता पिता को समझाता है ठीक उसी प्रकार जगत जननी देवी सीता माता को समझा रहे गणेश को समझा रहे देवी सीता समस्त देवी देवताओं को मनाने लगी भगवान श्री रामचंद्र धीरे धीरे धनुष के पास पहुंचे भगवान श्री रामचंद्र अपने आंखें उठाकर सीता जी के सामने सीता सचाई हुई अत्यंत विचलित धीरज को बैठी है अब सीता को और परेशान नहीं करना चाहती तुरंत भगवान श्री रामचंद्र धनुष की प्रथम परिक्रमा दूसरी परिक्रमा तीसरी परिक्रमा धनुष की तीन परिक्रमा कर रही है और जैसे गरुड़ आकाश में खड़े खड़े सर्प को देख लेता है जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष को देखा अपने माता पिता अपने गुरुवर अपने वशिष्ठ जी को प्रणाम कर लिया और धनुष को देखकर भगवान श्री रामचंद्र ने निर्णय ले लिया कभी धनुष को तोड़ दूंगा। उसी समय उस सभा में वातावरण शांत हो गया लाखों लोगों की दृष्टि उस धनुष के उस पर हरे राम 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 सीता राम 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 देवी सीता को और सबसे अधिक एक्साइटेड लखन जी लक्ष्मण जी फुल एक्साइटेड एकदम पूर्ण एक्साइटेड पांव से इस धरती को दबा करके बैठे विश्वामित्र जी ने पूछा लखन धनुष राम तोड़ रहा है तू क्यों इतना एक्साइटेड है देखो उनका एक्साइटमेंट धनुष बहुत कठोर है हमारे प्रभु जब धनुष को उठाएंगे ना तो बहुत बड़ा कड़ाका होगा और महाराज बहुत बड़ा कड़ाका होगा ये ब्रह्मांड ये धरती डोलते लगेगी और महाराज यदि पृथ्वी अपने स्थान से हिल जाएगी ना महाराज छटक गई ना तो सीता पृथ्वी की पुत्री है महाराज अगर विवाह के दिन माता को कुछ हो गया ना तो हमारे भगवान का विवाह अधूरा रह जाएगा महाराज यदि सास को कुछ हो गया तो विवाह नहीं हो पाएगा इसलिए महाराज मैं अपने पांव से पृथ्वी को दबा कर लखन जी ऐसे करके बैठ बैठ पृथ्वी अपने स्थान से हिलना नहीं
कहीं अपने जगह से छीनने जाए। लक्ष्मण जी ने समस्त दिक्पालों को आदेश दे दिया कि अपने अपने पृथ्वी के छोरों को जोर से पकड़ के रखो। आक्रमण राम के हाथों पर, लक्ष्मण संरक्षण लक्ष्मण जी के हाथों। दिक्पालो समस्त लोग अपने अपने पृथ्वी के छोरों को पकड़ के रखो, ये पृथ्वी अपने स्थान से हिल नहीं पाए। हरे राम 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 सीता राम, भगवान रामचंद्र की दृष्टि सीता के सामने। सीता बहुत व्याकुल, बड़े व्याकुल देखकर भगवान ने सोचा कि अब सीता को कष्ट देना सही नहीं। भगवान राम उसी चंद्र, भगवान श्री रामचंद्र उसी समय धनुष के पास आए और अपना बायां हाथ आगे किया। वरद हस्त आगे उठाया और रामायणकार कहते जैसे ही अपना वरद हस्त आगे उठाया उस धनुष एक छोर अपने आप से उठ गया। तुरंत परम प्रकाश आ गया, सबकी आंखें बंद हो गई और भगवान ने धनुष को तुड़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रकाश पुंज हुए और धनुष के टुकड़े टुकड़े हो गए। घमासान आवाज हो गई और कड़ाके की आवाज से ये पृथ्वी कांपने लगी। रामायणकार ने ऐलान किया, तेहि जन राम मध्य धनु तोरा, परे भवन दुनि दोर कटोरा। तेहि जन राम मध्य धनु तोरा, परे भवन दुनि बोर कटोरा। भगवान श्री रामचंद्र अपने बाहुबल से अपने पराक्रम से धनुष को उठाया और उसने टूटने की आवाज हुआ और उस आवाज से सूर्य पश्चिम में जा रहा था पूरब की ओर चला गया। नदियों ने अपनी दिशा बदल ली, धरती डोलने लगी, शेर बराक अक्षर सब तिलमिला उठे, दिक्पाल चक्कर काटने लगे, समुद्र का पानी आज आकाश को छूने लगा। विंध्याचल और हिमाचल की तलहटी में महात्माओं का ध्यान भंग हो गया, देवताओं ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, अप्सराओं का नृत्य बंद हो गया। भयंकर शिव धनुष टूटते ही अभिमानी राजाओं का अहंकार टूटा, सीता जी का वियोग टूटा, जनक जी की और सुनेना जी की शंका टूटी, नगर वासियों की चिंता टूटी, मंदोदरी की चूड़ी टूटी। जनक जननी माता सीता ने भगवान के गले में बहुत सुंदर हार माला पहनाया और सभी सभासदों ने जय जयकार किया। क्या सीताराम तुम्हारी जय जय हो, खड़े होकर जय जय हो, सीताराम तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय जय हो, सीताराम तुम्हारी जय जय हो, अवधे तुम्हारी जय जय हो, अवधे। नाचते हुए पंडाल से बाहर निकलिए, पंडाल से बाहर निकलिए सभी लोग, नाचना है ना, पहले बोला था विवाह होगा तो नाचना पड़ेगा। Oh,
तुम्हारे हर कीर्तन में से माता जी लोग नाच नहीं रहे, नाचना है पीछे वाले, पीछे नाचिए हाथ उठा करके, साइड वाले भी हरी बोल, आप लोग भी नाचो, दोनों हाथ ऊपर करो, आप भी आना राधिका जी को लाना, आप भी आना राधिका जी को लाना, आप भी आना राधिका जी को लाना, आना राधिका जी को लाना, आप भी आना राधिका जी को लाना, आके चरण सेवन हमारे हर कीर्तन सभी लोग नाचिए, अरे ये आनंद बरस रहा है, लूटिए, परसों से आनंद खत्म। हमारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, पंडाल से बाहर निकल जाइए, राधा ढूंढ रही, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, 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 बंसी बजाते हुए मेरा श्याम देखा,
नाचिए 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 भगवान के विवाह में नाचिए नाचो तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा राजा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा कई अचुराते हुए कोई नाच नहीं रहे क्या बात है शादी विवाह में तो खूब नाचती है अरे भगवान के शादी में नाचो जगत में नाचना नहीं पड़ेगा माया के सामने नाचो देख रहा हूँ कि कुछ लोग तो खूब आनंद ले रहे हैं लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग मुंह बना करके बैठे क्या कह रहा है अरे नाचो भगवान के दिव्य नाम हरि संकीर्तन में नाचो राधा ढूंढ रही हरे हरे
संकीर्तन के सिया राम चंद्र के जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के जय 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 निताय निताय गौर प्रमाणंद हरि बोल 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 Hari bol, 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 Hare Krishna. हरि नाम संकीर्तन के जय श्री राधा माधव की जय श्री राम चंद्र की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रमानंद हरि 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 बोल हरे कृष्ण भक्त ने बहुत आप लोग मेहनत की है बहुत मेहनत सभी मताएं सभी भक्त हैं तो अभी आप लोग बहुत आनंद में हैं मैं जान रहा हूँ आनंद बनाए रखिए कल और भी आनंद आने वाला है तो अभी भगवान श्री रामचंद्र का आरती भी करेंगे पहले रामायण जी की आरती फिर आरती करते हुए आप लोग आरती लेकर के जाएंगे ठीक है हरे कृष्णा कोई भी मिस मत करिए आरती लेकर के जाइए हरे कृष्णा जगत गुरु शिला प्रभुपाद की हरि बोल क्या बोल रहे हैं खाली देवी सीता बुला बेटा इसको कहाँ रखा था अभी तक कहाँ रखा था अभी तक क्या अद्भुत वरमाला नहीं होगा वैसे मत करना गड़बड़ नहीं करना खाली लड़की को बोलना ठीक है चलो माला मत दो ऐसे खड़ा कर दो सामने का कीर्तन कर दो एक दो जैसे मैं तो निकल रहा हूँ
ठीक है ये लोग करेंगे। बहुत उत्साह है आप लोगों का, उत्साह बहुत अच्छा है। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी। इत मधुमंगल उत श्रीदामा, इत मधुमंगल उत श्रीदामा, हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी। अच्छा अच्छा, कितने लोग डांस करना चाहते हैं आप लोग? सभी लोग डांस करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। फास्ट भजन है, आप लोग खूब डांस कर लीजिए। बनवारी बनवारी तेरी यार ने दीवाना बना दिया, भक्ति की बनवारी तेरी यार ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी जैसे भक्त हैं, जब गाना हो रहा डांस करना है तो सभी लोग ताली बजाओ, सभी लोग डांस करें। बहुत बढ़िया भजन है, जो भगवान के भजन पे अगर डांस नहीं करेगा तो उसको दुनिया को भ्रमण करना पड़ेगा, इसलिए भगवान के भजन पर सभी माताएं बहने आप लोग भी डांस कीजिए, फिर मौका नहीं आएगा ऐसा। बनवारी दीवाना बना दिया हमें मस्ताना,
में शादी लेकर जाएंगे। आइए आइए, राम जी का आज शादी और जन्म का सब सब बताया गया है। आइए आइए, राजा राम जी का हम लोग आरती करते हैं। सभी लोग आरती गाएंगे, सभी लोग। सभी भक्त बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और जोर से आप लोग बोलिए, मात्र दो दिन और है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा राम रामा, हरे हरे। और सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, ताकि सारा फल आरती और प्रसाद देंगे तभी मिलेगा। और आप लोग थोड़ा लेट आते हैं, इसलिए पहले आइए कथा में, और थोड़ा पहले आ जाइए, इसलिए आप लोग तो टाइम पाने के लिए हमें 8 बजे ही जाना है। भले प्रभु जी लोग आकर 7 बजे से टर टर करते रहे हैं, लेकिन आप लोग 8 बजे ही आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों का काम है आप लोगों का जागृत करना, आरती लेकर के आप लोग जाएं। धन्यवाद। और जो भी बच्चे हैं कृपया एकदम शांत रहें, अभी ना हो कि भजन में इतना उमंग में हो जाइए कि थोड़ा सा गलत हो जाए, ऐसा ना। धन्यवाद।